हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों, तो डीसीएम का मेजर पेपर कल, डीसीएम का जेनेटिक्स का आपका माइनर पार्ट टेस्ट भी हुआ था, ठीक है, शानदार हुआ होगा नो डाउट। और मेजर पेपर की बात करते हैं, 6x16 ये अपना मेजर पेपर, टोटल 16 मेजर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आ जाइए, शुरुआत करते हैं इस मेजर पेपर के साथ में एक इस शानदार कंसेप्ट के साथ। अब तक एनसीईआरटी अप्रोच हो रही है, जैसे लास्ट ईयर 2020 के रिजल्ट की अगर बात करें तो एक डेली टेस्ट सीरीज हुई थी जून और जुलाई में, चलिए डेली टेस्ट सीरीज में से 75% प्लस पेपर जो है वो टोटली नीट में एज इट इज आया था डेली टेस्ट सीरीज से। वैसा ही एक कंसेप्ट जो है वो अपना डीसीएम के थ्रू इस बार आप तक पहुंच रहा है, तो नो डाउट इन मेजर पेपर को बहुत अच्छे से जो है वो आपको सॉल्व करना है, और साथ ही अगर टॉपिक कोई कमजोर है तो डीसीएम के ऊपर भी फोकस करना है। ओके, तो शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए हुए पहले क्वेश्चन के साथ। अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, मेंबर ऑफ फाइलम आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब हो गया एक इमेजिनरी लाइन है जो बॉडी से पास आउट होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सिस से पास होने पर ही वो लेफ्ट और राइट पार्ट में बॉडी को डिवाइड कर पाती है। तो सिमेट्री के बेसिस पर अगर बात करें, एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट से, जैसे ये बॉडी हो गई, इसके किसी भी एक्सिस से अगर पास आउट किया जाए तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होती है, एसिमेट्री कहलाती है। ऐसे ही एक रेडियल सिमेट्री कहलाती है। रेडियल सिमेट्री की अगर बात करें तो किसी एक एक्सिस से पास आउट, किसी भी प्लेन से पास आउट होने पर इक्वली डिवाइड हो जाता है, डिवाइड नहीं हो, एसिमेट्री है। किसी भी एक्सिस से पास होने पर इक्वली डिवाइड हो जाए तो ये रेडियल कहलाता है, और किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से पास होने पर ही बॉडी लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो तो ये बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है, ठीक है जी। तो बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए उसमें, इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए, 3 जर्मिनल लेयर्स होनी चाहिए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, सिलोमेट एनिमल होने चाहिए। सिलोमेट का मतलब हो गया एक गट जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और बॉडी वॉल, इनके बीच में कैविटी की प्रेजेंस भी होनी चाहिए। विच आर वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल, चूज आउट करेक्ट ऑप्शन अपने को इसमें से चुनना है। तो बायलेटरल सिमेट्री जो है वो कहाँ से अपने को देखने को मिल रही है, तो आर्थ्रोपोडा में भी है, मोलस्का में के कुछ मेंबर में बायलेटरल है, हेमिकोडेटा में बायलेटरल है, इकाइनोडर्मेटा में रेडियल है। तो बायलेटरल सिमेट्री से ये इकाइनोडर्मेटा तो कट गया भैया। ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करें, 3 जर्मिनल लेयर्स, तो 3 जर्मिनल लेयर की प्रेजेंस इन सब में देखी जाती है, तो इसके बेसिस पर पता नहीं लग रहा है कि आंसर कौन सा जाएगा। सिलोमेट एनिमल एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा तक सारे ही कैसे कहलाते हैं, सिलोमेट एनिमल कहलाते हैं। एसके हेलमिंट्स कैसा है, स्यूडो सिलोमेट है। प्लेटी हेलमिंट्स कैसा है, ए सिलोमेट है। प्लेटी हेलमिंट्स या उससे पहले वाले सारे ही कैसे हैं, ए सिलोमेट एनिमल कहलाते हैं। तो सिलोमेट ये सारे ही हो गए। विच आर वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल। इससे अपने को पहचान होगी कि अपना आंसर कौन सा जाएगा, तो इनमें से वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैराइन है, याद रखना है, पूर्णतः मैराइन है, सारे मेंबर समुद्री जल में ही रहते हैं। हेमिकोडेटा जो है वो वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल है, एनसीईआरटी की लाइन है, आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अरे ओके, तो इस प्रकार दिमाग को दौड़ाते हुए, प्रॉपर फोकस करते हुए कि एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है, एनसीईआरटी की लाइन जब तक दिमाग में नहीं नाचेंगी ना, तो आपसे सिली मिस्टेक होने के चांसेस वहां उतने ही बने रहेंगे। इसलिए एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, और किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते समय आपको फोकस करना है कि मैं एक एग्जामिनर हूं, तो इस पैराग्राफ में से मैं क्या क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब यही वो टाइम बचा है, कोई भी डिफिकल्ट पैराग्राफ है उसको बहुत अच्छे से रीड आउट कर लो, एक एग्जामिनर बन के रीड आउट कर लो। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हिंदी मीडियम साथ में दिया गया है, एक संघ का सदस्य जो द्विपार्श्व सममिति दर्शाता है, त्रिकोरकी है और गुहीय क्रमी रूपी समुद्री जंतु है, तो आंसर इसका क्या चला जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्रमी रूपी बोल दिया ना समुद्री जंतु, तो हेमिकोडेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जी, आगे बढ़ते हैं। साइक्लोइड टीनोइड टाइप ऑफ स्केल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच क्लास। साइक्लोइड या टीनोइड प्रकार के सल्क किस वर्ग की विशेषता है, ठीक है जी। अब ये जो स्केल्स हैं, एनसीईआरटी ने इसके रेस्पेक्ट में कहा है कि सबसे पहले साइक्लोस्ट्रोमेट्स हैं, उनमें कोई स्केल्स नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद अपनी बात आती है किसकी, फिशेज में कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, इन दोनों की बात होती है। कॉन्ड्रिक्थिस की अगर बात करें तो स्केल्स पाई जाती हैं प्लेकोइड टाइप की स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, और ऑस्ट्रिक्थिस की अगर बात करें तो स्केल्स पाई जाती हैं अपनी कौन सी, साइक्लोइड या
टीनोइड टाइप की। तो इससे आंसर तो अपना आ गया, ऑस्टिक्थीस जो है उसमें साइक्लोइड या टीनोइड टाइप की स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए क्या होता है। प्लेकोइड टाइप की स्केल्स की अगर बात करें तो बॉडी पर इस टाइप की स्केल्स पाई जाती हैं, ठीक है, क्या कहलाती हैं, प्लेकोइड टाइप की स्केल्स कहलाती हैं। और कॉन्ड्रिक्थीस में ऐसा देखा जाता है, स्कोलियोडॉन जो है उस स्कोलियोडॉन में बॉडी के ऊपर इस प्रकार की स्केल्स देखी जाती हैं, जैसे ये फिश की बॉडी होगी कोई, ठीक है जी। और इस फिश की बॉडी पर बात करें तो इस टाइप की स्केल्स देखी जाती हैं, कांटे की तरह ये स्केल्स पाई जाती हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या कहला गई, इस प्रकार की प्लेकोइड टाइप की स्केल्स कहला जाती हैं। साइक्लोइड स्केल्स की अगर बात करें तो साइक्लोइड स्केल्स कुछ इस प्रकार की होती हैं, सर्कुलर फॉर्म बनाती हैं इस प्रकार की। इस प्रकार की स्केल्स बॉडी पर पाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं, साइक्लोइड टाइप की कहलाती हैं। और इसी साइक्लोइड की एक मार्जिन पर ऐसे कॉम्ब के जैसे कंघे के समान जो है वो स्ट्रक्चर्स अगर पाई जाती हैं तो ये क्या बन जाती है, टीनोइड टाइप बन जाता है, ठीक है जी। साइक्लोइड टाइप की स्केल्स जो हैं ये अपने को देखने को मिलती हैं लंग फिशेज के अंदर, और टीनोइड टाइप की स्केल्स जो हैं वो ऑस्टिक्थीज में एग्जांपल के रूप में याद रखें तो ऐसा देखने को मिलता है अपने को पर्च के अंदर। क्लियर होगी, तो ये अपनी बात होगी। एम्फीबिया की अगर बात करें तो इसमें मॉइस्ट स्किन पाई जाती है, मॉइस्ट स्किन की प्रेजेंस होती है, और मॉइस्ट स्किन होती है इसका मतलब कोई भी स्केल्स यहाँ नहीं पाई जाती हैं। साइक्लोस्टोमेट में बात करें तो यहाँ पर अब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती हैं स्केल्स। मॉइस्ट स्किन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, अब्सेंट हो जाएगी। तो पहले दोनों में तो स्केल्स है ही नहीं, यहाँ प्लेकोइड टाइप की स्केल्स है, यहाँ साइक्लोइड टीनोइड टाइप की स्केल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को प्रॉपरली फोकस करना है भैया आपको, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से ही बना हुआ क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। आपने देखा होगा डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप जो है वो एक तरफ से अपने ईयर पिन्ना की ओर और दूसरी तरफ का जो पार्ट है उसको आपकी चेस्ट पर लगाता है या किसी आर्टेरियल पार्ट पर लगाता है, ठीक है जी। तो बॉडी पर कहीं भी ये यूज होता है स्टेथोस्कोप, ये किस लिए काम में लिया जाता है, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होने वाली साउंड को हियर करने के लिए काम में लिया जाता है। द सेकेंड हर्ट साउंड हर्ड वैन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हर्ट साउंड के बारे में पता होना चाहिए कि हर्ट साउंड पहली कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है। तो फर्स्ट हर्ट साउंड की अगर बात करें तो ये लब कहलाती है और दूसरी जो है वो डब कहलाती है, ठीक है जी। इसको तो कहते हैं लब और ये कहलाती है डब, साउंड के नाम से जानी जाती है, क्लियर। अब लब कब आएगी, डब कब आएगी, यहाँ एक ट्रिक बनाओ। इस प्रकार मैं रफली एक हर्ट का डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जैसे हर्ट हो गया अपना, ठीक है भैया। तो अपन क्या बोलेंगे, जब वेंट्रिकल्स ब्लड से फुल ऑफ हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स में ब्लड पूरा भर जाता है, तो फिर जो एसए नोड से एवी नोड इंपल्स आएगी वो एवी नोड वेंट्रिकल के मस्कुलेचर को पहुंच जाएगी और उस इंपल्स के कारण वेंट्रिकल की वॉल में आप कॉन्ट्रेक्शन आता है। भर चुके हैं पूरा ब्लड से, ठीक है जी, ब्लड से पूरा भर चुके हैं, इसका मतलब कोई बाल्टी है, उस बाल्टी में पानी पूरा भर चुका है तो बाल्टी लबालब है, आया ना। इसका मतलब वेंट्रिकल जब पूरे भर जाएंगे तब ध्वनि आएगी, फर्स्ट हर्ड साउंड आएगी, कौन सी, लब वाली। तो लबालब से अपने को पता चल गया कि वेंट्रिकल्स जब कंप्लीटली फिलअप हो जाएंगे तब उनमें कॉन्ट्रेक्शन आएगा और कॉन्ट्रेक्शन आने से यहाँ जो कस्पिड वॉल पाए जा रहे हैं नीचे की ओर, प्रोजेक्टेड कस्पिड वॉल, वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होने के कारण ऊपर उठती हैं ये दोनों कस्प, और ऊपर जब उठती हैं तो आपस में टकराती हैं और सडन स्ट्राइकिंग ऑफ दीज कस्प प्रोड्यूसेज ए साउंड एंड दिस साउंड इज नोन एज फर्स्ट हर्ड साउंड, ऑल्सो नोन एज लब साउंड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो एवी वॉल एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला जो वॉल है, कस्पिड वॉल है, उस कस्पिड वॉल की वजह से, क्लोजिंग की वजह से प्रोड्यूस होती है फर्स्ट हर्ड साउंड। अब इस कॉन्ट्रेक्शन के कारण यहाँ से इस कॉर्नर पे लेफ्ट के अपर इस कॉर्नर पर राइट कॉर्नर पर क्या पाई जाती है, पीछे की ओर एक एओर्टिक आर्क जो है वो कंटिन्यू रहती है और यहाँ इस राइट वेंट्रिकल के इस कॉर्नर से पीछे के कॉर्नर से अराइज होती है, कौन सी, पल्मोनरी आर्क या पल्मोनरी ट्रंक इसको कहते हैं, ठीक है जी। एओर्टिक ट्रंक हो गया, पल्मोनरी ट्रंक हो गया, वेंट्रिकल से ब्लड इनमें चला जाएगा और जब ब्लड यहाँ से जा चुका है इनमें तो फिर अब ये ब्लड के द्वारा खाली हो गए हैं, वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन अब स्टार्ट होता है, यहाँ का ब्लड प्रेशर गिरता है
और इन आर्क में ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ये ब्लड प्रेशर जो है ये ब्लड का फ्लो बैकवर्ड होगा। इस बैकवर्ड की वजह से जो ये आर्क मैंने बताई है इनमें भी क्या पाया जाता है, एक वॉल्व पाया जाता है, जो ब्लड फ्लो होने के कारण पहले खुल गया था और अब ब्लड वापस बैक प्रेशर लगाएगा। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे यहाँ प्रेशर गिरेगा तो ये वापस आना चाहेगा तो ये कस्प जो है ये वापस बंद हो जाता है। सेमी लूनर वॉल्व के ये कस्प कहलाते हैं और ये सेमी लूनर वॉल्व के कस्प बंद होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, सेकेंड हर्ट साउंड। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है ओपनिंग ऑफ वॉल्व से नहीं, क्लोजिंग ऑफ वॉल्व से। और क्लोजिंग ऑफ वॉल्व के दौरान जब कस्प आपस में टकराती हैं उस दौरान हर्ट साउंड का प्रोडक्शन होता है। क्लियर हो गई। पहली वाली एवी वॉल्व के क्लोज होने से उत्पन्न हुई थी लब, और दूसरी वाली जो है वो एओर्टिक या पल्मोनरी ट्रंक जो है उनके सेमिलूनर वॉल्व के बंद क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है, डब साउंड कहते हैं। ठीक है जी, तो क्या बोल रहा है ये, सेकेंड हर्ट साउंड कब आएगी, वेंट्रिकुलर वॉल वाइब्रेट ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया। जब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल की वॉल वाइब्रेट होने के कारण होता है, नहीं, साउंड का प्रोडक्शन तो कब होता है, इसके वॉल के क्लोज होने की वजह से। एवी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम एसए नोड, एसए नोड से एवी नोड तक जब सिग्नल जाएगा तो सेकेंड हर्ट साउंड आती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एवी वॉल्व ओपन, ओपनिंग ऑफ वॉल्व के कारण कोई साउंड आती ही नहीं है, क्लोजिंग के कारण आती है, ये गलत हो गया। सेमिलूनर वॉल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द ब्लड वेसल फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल से जब ये ब्लड जो है इन ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएगा, ये ब्लड वेसल हो गई, जैसे इस वाले वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से इसमें चला गया, ये एओर्टिक हो गया, और राइट वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है, तो वो ब्लड वापस आना चाहेगा, तब सेमिलूनर वॉल क्लोज होगा, उसके कारण सेकंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अरे क्लियर भैया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 104। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, आइडेंटिफाई दिस सेंटर। इस केंद्र से तंत्रिकीय संकेत अंतःश्वसन की समय अवधि को घटा देते हैं, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को घटा देते हैं, जिसके फलस्वरूप श्वसन दर में परिवर्तन होता है, इस केंद्र को पहचानिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यह पता होना चाहिए कि वन ब्रीथ, एक श्वासन जब होगा तो उसमें वन इंस्पायरेशन प्लस वन एक्सपायरेशन होता है। एक ब्रीथ 5 सेकंड लेता है नॉर्मली, तो ये 5 सेकंड का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कैसे कैसे है? इंस्पायरेशन 2 सेकंड के लिए होता है, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है जी, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एटीपी काम में आएगा, एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, 3 सेकंड के लिए होता है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है एक सेंटर से न्यूरल मैसेज आएगा, उसके कारण इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन घटेगी, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन घटने का मतलब 2 सेकंड की बजाय कम टाइम में ये पूरा हो जाएगा। अगर 2 सेकंड से कम में पूरा होगा तो एक्सपायरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग रिड्यूस होगा, तो वन ब्रीथ में 5 सेकंड की जगह 4 सेकंड लगेंगी या 3.5 सेकंड लगेंगी, तो 1 मिनट में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी। अरे सिंपल सी बात है, बोलो भैया। अब आ जाओ यहाँ पर, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। इसका मतलब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बात की है एनसीईआरटी ने एक टॉपिक में, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और ये जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन है यहां पर याद रखना प्राइमरली किसके द्वारा है, मुख्य रूप से तो ये कंट्रोल होता है रिदम सेंटर पाया जाता है मेडुला ओब्लोंगेटा में, उसके द्वारा रिदम सेंटर। और कहां है ये रिदम सेंटर, एमओ मेडुला ओब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है भैया। एडिशनली इसको और कौन रेगुलेट करता है, एक सेंटर पाया जाता है पॉन्स रीजन में सेकेंडरली। सेंटर कहां है, पॉन्स में, क्या कहलाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, टैक्सिक सेंटर। और कहां प्रेजेंट है, ये पॉन्स रीजन में है। और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता क्या है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिदम सेंटर की एक्टिविटी को मॉडरेट करने का काम करता है, उसमें चेंजेस लाने का काम करता है, तो मॉडरेट करता है इस एक्टिविटी को, मॉडरेट इट्स एक्टिविटी।
इसकी एक्टिविटी को, रिदम सेंटर की एक्टिविटी को मॉडरेट करने का काम करता है। तो यहाँ मेडुला ओब्लोंगेटा कहीं दिया नहीं है, थैलेमस का कोई रोल है नहीं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का सेंटर इन्वॉल्व नहीं है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अगले में फोर्थ में वन और टू कह रहा है तो थैलेमस तो आएगा ही नहीं। तो आंसर अपना कौन सा चला गया? न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, जो क्या करता है, इसकी ड्यूरेशन को, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को घटाता है, ब्रीथिंग रेट को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 105। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, एनसीईआरटी की लाइन है, फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो देखें किसका सीक्रेशन की बात कर रहा है, ये सीक्रेशन की बात कर रहा है किसके, पैनक्रियाज के। और क्या कह रहा है कि अग्नाशय से स्रावित होने वाला ये जो भी क्या है सीक्रेशन, ये क्या करेगा, क्षारीय माध्यम प्रदान करवाएगा और एंजाइमी क्रियाओं के लिए माध्यम भी प्रदान करवाता है। तो पैनक्रियाज का सीक्रेशन देखना है अपने को, तो बाइल पिगमेंट लीवर का सीक्रेशन है, पैनक्रियाज का नहीं है, लीवर से के द्वारा सीक्रेट होता है बाइल पिगमेंट। कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड ये भी किसके कंपोनेंट है, बाइल के ही कंपोनेंट है। तो सबसे पहले तो बाइल का कंपोजिशन आप याद रखना, एनसीईआरटी ने साफ साफ दिया है, पूछा भी जा सकता है, बाइल में क्या होता है, बाइल पिगमेंट होते हैं। बाइल सॉल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है जी। बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन हो जाएगा, बिलीवरडिन हो जाता है, बिलीरुबिन हो गया, बिलीवरडिन हो जाता है। बाइल सॉल्ट की अगर बात करें तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये दोनों याद रखना है आपको। और ये बाइल सॉल्ट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, ठीक है जी, ब्रेकडाउन ऑफ फैट में हेल्प करता है। तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट ये प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो बाइल का कंपोजिशन कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन हो गया किसका, बाइल जूस का ही, तो ये आंसर भी नहीं जाएगा। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, ये पैनक्रियाज का वो सिक्रीशन है जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को एसिड से बचाता है। अब बात आती है इंटेस्टाइन की म्यूकोसा एसिड कौन सा आया, स्टमक का फूड जो ही ड्यूडेनम में आएगा तो उसमें HCl तो मिक्स है ना, उस HCl को लोअर डाउन करने का, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा, ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट ही करेगा जो पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेटेड है, ठीक है जी। तो अपना आंसर कौन सा चला जाता है, यही चला जाता है। और यही म्यूकस और बाइकार्बोनेट एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए एक अडेप्टेड एनवायरमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। डाइपेप्टाइडेजेज और न्यूक्लियोटाइडेजेज, दीज आर कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट है किसके, सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस को और क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है जी। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आंसर कौन सा अप्रोच हो गया अपना, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। एनसीईआरटी ने साथ ही इसके एक बात और लिखी है कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट पैनक्रियाज से रिलीज होकर ये काम तो करते ही है, और सेम यही काम और कौन करवाता है, सब म्यूकोजल और सब म्यूकोसा की जब बात आती है तो ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में कौन सी ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड भी यही सिक्रेशन करती है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करती है। तो यहां पर एक बात और याद रख लेना, सेम फंक्शन परफॉर्म्ड बाय, सेम फंक्शन परफॉर्म्ड बाय, परफॉर्म्ड बाय किसके द्वारा किया जाता है, ब्रूनर्स ग्लैंड, और कहां पाई जाती है, सब म्यूकोसा, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा, उसके ठीक बाहर वाली लेयर सब म्यूकोसा। और किसके सब म्यूकोसा का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा का करेक्टरिस्टिक फीचर कहलाता है, ठीक है भैया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 106। चूज आउट करेक्ट वन फॉर डेफिकेशन, डेफिकेशन क्या है, तो अपने को पता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ठीक है जी। तो वो सब्सटेंस जो
अनडाइजेस्ट रह गए थे, जिनका डाइजेशन नहीं हुआ था, जिनको एसिमिलाइज भी नहीं किया गया था, वापस बॉडी के द्वारा यूटिलाइज भी नहीं किया गया था, पास आउट हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जाकर ये स्टोर्ड हो जाते हैं कोहेरेंट फिशेज में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। एनसीआरटी के शब्द की बात करूं, कोहेरेंट फिशेज का मतलब है वाटर भी इसमें से एब्जॉर्ब हो गया, सॉलिडिफाई होकर ये कहां स्टोर हो जाते हैं, रेक्टम रीजन में। ठीक है जी, अब रेक्टम से फिर इनका बाहर की ओर एलिमिनेशन होना थ्रू दी एनएससी प्रोसेस क्या कहलाता है, डेफिकेशन कहलाता है। डेफिकेशन के लिए सही क्या है वो अपने को बताना है, मल त्याग कहा जाता है इसको। इजेशन ऑफ फिशेज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिशेज का इजेशन बता रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से तो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, उसको फिशेज नहीं कहेंगे। फिकल मैटर या मल किसे कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट पहुंचने के बाद वहां बैक्टीरियल कुछ डिग्रेडेशन होता है, कुछ विटामिन को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन वहां से किया जाता है, अब जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो फीकल मैटर कहलाएगा। इसका मतलब जो डिसेंडिंग कोलन रीजन है, उस डिसेंडिंग कोलन वाले पार्ट से जो है वो रेक्टम में जब ये मैटर पहुंचेगा तो ये फीकल मैटर कहलाने लगता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फीकल मैटर इसको नहीं बोलेंगे, गलत हो गया। इट इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस, इनवॉलेंट्री नहीं इनवॉलेंट्री प्रोसेस ये कहलाता है, तो याद रखें ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, अडल्ट में नहीं बात गलत है, ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस होता है। अरे बिना इच्छा के ही थोड़ी रिलीज आउट हो जाता है, बोले इच्छा ही नहीं है फिर भी रिलीज आउट हो गया, ना ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, ऐसा बच्चों में स्टार्टिंग स्टेज में जरूर होता है, तो चाइल्डहुड स्टेज के स्टार्टिंग डेवलपमेंटल जो स्टेज है वहां पर ये प्रोसेस इनवॉलेंट्री कहलाता है, उनको बिना सूचना के अनुसार ही जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। इसका कारण क्या कहलाता है, सीएनएस से आने वाले मैसेज एक्चुअल में उस स्पिंक्चर को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं जो स्पिंक्चर कंट्रोल करता है एनएस की ओपनिंग को। ठीक है, तो ये बात भी गलत होगी कि इनवॉलेंट्री नहीं है, वॉलेंट्री प्रोसेस है। इजेशन ऑफ फिशेज टू इनसाइड थ्रू दी एनल ओपनिंग, इनसाइड नहीं होना चाहिए, अंदर थोड़ी आएगा ना, बाहर जाता है। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाई ए मास पेरिस्टाल्सिस, तो एक ही ऑप्शन डेफिकेशन के लिए ठीक है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। यह प्रक्रिया अत्यधिक क्रमाकुंचन गतियों द्वारा पूर्ण होती है, और ये मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में वो मूवमेंट जिनके द्वारा फूड आगे की ओर प्रोसीड होता है, अलोंग द लेंथ ऑफ गट जो है वो प्रोसीड होता जाता है। और मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, जब अर्ज डेवलप होगी, जब रेक्टम की वॉल में स्ट्रेचिंग आएगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फीकल मैटर, वहां ज्यादा होने के कारण रेक्टम की वॉल स्ट्रेच करती है, एक रिफ्लेक्स जनरेट होती है, वो रिफ्लेक्स रेक्टम से ठीक पहले वाला पार्ट जो सिग्मोइड कोलोन है वहां पर क्या प्रोड्यूस करवाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और रैपिड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो एक दिन में 3 से 4 बार क्रिएट होते हैं, ये रैपिड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या कहलाते हैं, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाते हैं। तो ये जो मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इसका मतलब क्या है, रैपिड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट 3 to 4 टाइम्स पर डे क्या कहलाते हैं, मास पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आंसर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, न्यूरल सिग्नल थ्रू ए नर्व कैन अल्टीमेटली इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, एक नर्व है उससे आने वाला न्यूरल सिग्नल कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। ठीक है जी, व्हाइल बी नर्व डिक्रीजेस द सेम, आइडेंटिफाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, सर्कुलेटरी सिस्टम में ही ये बात दी गई है कि रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज किस प्रकार होती है, तो यहाँ पर ए का मतलब सिंपेथेटिक है, सिंपेथेटिक नर्व का जो स्टिमुलस आएगा उसकी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, हर्ट रेट बढ़ेगी, हर्ट बीट बढ़ती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट उसकी वजह से बढ़ती है, तो यहाँ तो आना चाहिए सिंपेथेटिक, और घटाता कौन है, पैरासिंपेथेटिक इसको घटा देता है, पैरासिंपेथेटिक, तो आंसर अपना कौन सा चला जाएगा, सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक, अनुकंपी तथा परानुकंपी चला जाता है। ठीक है जी, अब बात आती है ANS और CNS, CNS का कोई रोल नहीं है इसमें, यहाँ पर अपने को पता है कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो PNS, दो सिस्टम है, एक CNS है दूसरा PNS है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कहलाता है सोमेटिक नर्व सिस्टम और एक कहलाता है
पेरिफेरल में, दूसरा कहलाएगा ANS ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के फिर से दो पार्ट हो गए, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। ठीक है जी, सिंपैथेटिक बढ़ाने का काम करता है, पैरासिंपैथेटिक घटाने का काम करता है। आंसर कौन सा चला जाएगा? थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 108। ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ए स्केलेटल मसल विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस। किसी कंकालीय पेशी संकुचन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना होगी? तो मसल कॉन्ट्रेक्शन से लिया गया क्वेश्चन है, और यहाँ से जो भी इवेंट होते हैं इनको आप अच्छे से क्लैरिफाई कर लें, और ये तभी क्लैरिफाई हो पाएंगे जब आपको ये डायग्राम पता हो। ठीक है जी, उस डायग्राम में आपको साफ दिखाया हुआ है ये अपना क्या कहलाता है, मायोसिन है, और इनको फिर इनके एंड को ओवरलैप किया हुआ कौन होता है, ये एक्टिन कहलाता है। इधर ये एक्टिन हो गया, ये एक्टिन कहलाता है। ठीक है जी, अगली बात, जो एक्टिन है इस एक्टिन के यहाँ क्या पाई जाती है, जेड लाइन सेंटर में क्या होती है, ये जेड लाइन कहलाती है। ठीक है जी, दो जेड लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इसको सार्कोमियर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। जितनी दूरी में मायोसिन पाया जा रहा है, ये डार्क वाला रेड पाया जा रहा है, ये क्या कहलाता है, ए बैंड कहलाता है। ठीक है जी, इसे ही क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट। मायोसिन को क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। और ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया, ये क्या कहलाता है, ये थिन फिलामेंट कहलाता है एक्टिन का, ये थिन फिलामेंट। ठीक है जी, तो अपने को पता है। और ये अनओवरलैप्ड रीजन जो रह गया है, इसका ए बैंड का, ए बैंड का अनओवरलैप्ड रीजन, ये क्या कहलाता है, एच जोन कहलाता है। इसको क्या बोल देते हैं, एच जोन। और एच जोन के सेंटर में पाई जाती है भैया एक लाइन, और इस लाइन को क्या कहा जाता है, एम लाइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर होगी भी बात। अब आप देखें, मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ये थिन फिलामेंट स्लाइड होंगे थिक फिलामेंट के ऊपर। ठीक है जी, तो इन फिलामेंट की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जो जो स्लाइडिंग होगी क्यों, तो ये एच जोन छोटा होता जाएगा, दोनों जेड लाइन पास आती जाएंगी, तो सार्कोमियर छोटा होता जाएगा, एच जोन धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और ओवर कॉन्ट्रेक्शन के कारण ये गायब भी हो जाता है जब ये दोनों फिलामेंट, थिन फिलामेंट एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो थिन फिलामेंट की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, थिक फिलामेंट की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, एम लाइन की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, जेड लाइन जो है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जेड लाइन के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है, तो सार्कोमियर छोटा हो जाता है। अब देखें, शॉर्टनिंग ऑफ थिन फिलामेंट अभी बताया है, शॉर्टनिंग ऑफ थिन फिलामेंट नहीं होता है, शॉर्टनिंग ऑफ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट की शॉर्टनिंग भी नहीं देखी जाती है, शॉर्टनिंग ऑफ एम लाइन, एम लाइन छोटी होती है, कोई चेंज नहीं आएगा एम लाइन में, शॉर्टनिंग ऑफ एच जोन, एच जोन छोटा हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, एच जोन छोटा हो रहा है, और शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, दोनों जेड लाइन पास आने के कारण जो है वो सार्कोमियर भी छोटा हो रहा है। अपने को क्या देखना है कि कौन सा इवेंट जो है वो कंप्लीट होता है, ई और एफ जो है वो कंप्लीट होते हैं, केवल ई एंड एफ, बाकी का कोई भी ऑप्शन जो है ए बी सी डी, ये मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान नहीं देखा जाता है। क्लियर हो गई भी बात। नेक्स्ट 109। Inside the skull, brain is covered by cranial meninges. What is the order of these meninges from inside to outside? ठीक है जी, तो ये अपना ब्रेन हो गया, इस ब्रेन के बाहर क्या पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, ये सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, ठीक है जी, ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाती है, ड्यूरा मैटर कहलाती है। ठीक है, ड्यूरा मैटर के बाद में नेक्स्ट जो कवरिंग है वो अगली कवरिंग क्या कहलाती है, इसको थिन होती है, पतली होती है ये कवरिंग, इसको अरेक्नोइड मैटर कहते हैं, और लास्ट वाली जो है जो मर्ज करती है, किसके ब्रेन के साथ में मर्ज करती है, वैस्कुलराइज्ड होती है काफी, इसको पाया मैटर के नाम से जाना जाता है। तो बाहर से ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया इनसाइड। एक चीज याद रख लो, डी ए पी ऑर्डर याद रख लो, डप डी ए पी, डप ऑर्डर याद रखना है, बाहर से अंदर की ओर ये ऑर्डर है, तो अंदर से बाहर क्या हो जाएगा, पी ए डी हो जाएगा, पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। ठीक है भैया, नेक्स्ट 110।
एंटीरियर पार्ट ऑफ कोरोइड लेयर फॉर्म ए थिक स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर इटसेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म ए पिगमेंट एंड ओपेक पोर्शन. दिस पोर्शन इज नोन एज लैंग्वेज है. यहाँ पर लाइन तो एनसीईआरटी की है लेकिन लैंग्वेज को ढंग से पढ़ लेना. कोरोइड परत का अग्रभाग एक मोटी संरचना बनाता है. यह संरचना स्वयं अग्र की ओर प्रसारित होकर एक वर्णकित अपारदर्शी भाग बनाती है. अब मैंने संरचना के बारे में आपसे नहीं पूछा है, मैंने तो ये कहा यहाँ पर भाग बनाती है और उस भाग के बारे में पूछा है. ठीक है, तो लैंग्वेज जो है उसका खेल है यहाँ पर. तो आप सबको पता है कि आई के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आई के स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, स्क्लेरा कहलाती है. ठीक है जी, और ये स्क्लेरा आगे क्या बनाता है, यहाँ पर कॉर्निया रीजन बनाता है, सब जानते हैं इस बात को. उसके बाद दूसरी परत क्या कहलाती है, कोरोइड कहलाती है. और तीसरी परत क्या कहलाती है, रेटिना कहलाती है. ठीक है जी, ये तीन परतें अपने को याद रखनी है. तो इन तीनों परतों के बारे में पूछा जा सकता है, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना. ठीक है जी, क्या कह रहा है, कोरोइड लेयर जो है वो आगे की ओर, कोरोइड लेयर का पीछे का जो भाग होता है टू थर्ड पार्ट क्या कहलाता है, थिन होता है, पतला होता है, एनसीईआरटी की लाइन है. और जबकि आगे का जो पार्ट होता है वो थिक स्ट्रक्चर बनाता है. कोरोइड का आगे का पार्ट एक थिक स्ट्रक्चर बनाता है और ये थिक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ये सीलियरी बॉडी कहलाती है. क्या बोलते हैं इसको, सीलियरी बॉडी. तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को तो क्या बोल देंगे, सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी. ये अपनी क्या बन गई है, सीलियरी बॉडी. अब ये सीलियरी बॉडी से कुछ क्या होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स अराइज होते हैं. इधर भी सस्पेंसरी लिगामेंट अराइज होंगे सीलियरी बॉडी से. और ये किसको होल्ड करके रखेंगे, लेंस जो है उसको होल्ड करके रखते हैं. ठीक है जी, ऐसे ही ये जो सीलियरी बॉडी है ये आगे की ओर, खुद आगे की ओर जाती है और लेंस के सामने क्या बनाती है, आयरिस जैसी स्ट्रक्चर बनाती है जो पिगमेंटेड और ओपेक पोर्शन कहलाता है. तो दिस स्ट्रक्चर मतलब सीलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड, स्वयं आगे की ओर बढ़ती है और क्या बनाती है, एक पिगमेंटेड एंड ओपेक पोर्शन बनाती है. और ये पिगमेंटेड और ओपेक पोर्शन जो है ये विजिबल पोर्शन ऑफ आई कहलाता है. जो आंखों का कलर अपने को बाहर से दिखाई देता है वो किसका होता है, आयरिस का कलर कहलाता है. ये स्ट्रक्चर क्या कहला गई, आयरिस कहला गई. अपने से पूछा क्या है, इस स्ट्रक्चर ने जो आगे की ओर फॉरवर्ड होकर पिगमेंटेड और ओपेक पोर्शन अपारदर्शी भाग बनाया है उसको क्या कहा जाता है, आयरिस कहा जाता है. इधर से जैसे ये आयरिस आ गई और इस आयरिस के बीच में जो अपर्चर बचा है जहां से होते हुए लाइट रेज एंटर करेंगी वो अपर्चर क्या कहलाता है, उसको प्यूपिल कहते हैं. ठीक है जी, तो क्या बोल दिया, कॉर्निया, इसका आंसर नहीं जाएगा, अब ये मिटा रहा हूं बाकी का पार्ट में जी. कॉर्निया की अगर बात करें तो कॉर्निया तो क्या हो गया, सबसे बाहर वाली लेयर स्क्लेरा का आगे वाला पार्ट कहला गया. ठीक है जी, और ये लाइट रेज जो है उसको बेंड करता है, उसको मोड़ता है किधर की ओर, लेंस की तरफ. ठीक है जी, तो ये स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा. प्यूपिल की अगर बात करें तो ये एक छिद्र है, एक अपर्चर है जो सराउंडेड है आयरिस के द्वारा. अगर आंख को सामने की ओर से मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर ये अपने को प्यूपिल दिखाई दे रहा है और इस प्यूपिल के सराउंडिंग में ये जो पाई जा रही है ये क्या कहला रही है, ये आयरिस कहला रही है. ये तो बन गया आयरिस और ये बन गया अपना प्यूपिल. इसका मतलब प्यूपिल क्या हो गया, अपर्चर सराउंडेड बाई आयरिस, अपर्चर सराउंडेड बाई आयरिस के द्वारा सराउंडेड स्ट्रक्चर. आयरिस क्या हो गई, जो सीलियरी बॉडी है उसका ही फॉरवर्ड एक्सटेंशन जो पिगमेंटेड और ओपेक पोर्शन बनाता है ये क्या कहलाता है, आयरिस कहलाता है. तो ये आंसर अपना चला जाएगा, आयरिस के बारे में पूछ रहा है. और सीलियरी बॉडी क्या हो गया, सीलियरी बॉडी हो गया एंटीरियर पार्ट ऑफ कोरोइड लेयर फॉर्म ए थिक स्ट्रक्चर. और ये थिक स्ट्रक्चर क्या कहला जाती है, ये सीलियरी बॉडी कहला जाती है. चले आगे, नेक्स्ट 111. एक पेडिग्री चार्ट आपको दिया गया है और ये कह रहा है कि ये क्या दर्शाता है, ये पेडिग्री चार्ट, इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिस्टिक फिब्रोसिस एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है. ठीक है जी, जीन म्यूटेशन के कारण ये अराइज होता है.
सेवंथ क्रोमोजोम के ऊपर इसकी जीन पाई जाती है, उसमें म्यूटेशन के कारण ये सिस्टिक फिब्रोसिस अराइज होता है। एनसीईआरटी ने सिस्टिक फिब्रोसिस नाम जरूर दिया है लेकिन सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में बताया नहीं है। तो अगर नाम दिया है तो इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। जीन कहाँ है इसकी? जीन फॉर सिस्टिक फिब्रोसिस सेवंथ ऑटोजोम पर होती है, सेवंथ क्रोमोजोम पर पाई जाती है। दूसरी बात, क्या हो जाता है सिस्टिक फिब्रोसिस में? फाइब्रस सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज में फाइब्रस सिस्ट का फॉर्मेशन होने के कारण जो है वो थिक म्यूकस लेयर का फॉर्मेशन भी वहां पर हो जाता है, जिसके कारण पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन जो है वो इंटरप्ट हो जाता है। तो क्या बोल देंगे? फाइब्रस सिस्ट इन पैनक्रियाज, फाइब्रस सिस्ट इन पैनक्रियाज, ठीक है जी। और एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये गलत क्यों हो गया? ये डोमिनेंट की जगह क्या होना चाहिए था? रिसेसिव होना चाहिए था, रिसेसिव होना चाहिए था, तो ये बात तो गलत हो गई। पेडिग्री को देखने की जरूरी नहीं है, कई बार तो स्टेटमेंट डायरेक्ट पता लग जाता है नॉलेज से ही। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज है। सबको बताएं XHY ये हीमोफिलिक मेल बनता है, XXH ये कैरियर फीमेल बनती है। इसका मतलब ये कैरियर क्यों बनी है? एक आने पर भी अपना एक्सप्रेशन नहीं दे रही है, रिसेसिव है। तो इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक, एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम है, तो सेक्स लिंक डिजीज हो गई हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया अगर ये है तो फिर अब अपने को पेडिग्री देखना पड़ेगा। ये हीमोफिलिक बता रखा है, इसका मतलब XHY बता रखा है। ये हीमोफिलिक है, XHY हो गया मान लिया। ये हीमोफिलिक है, इसका मतलब XHXH ये वाली कंडीशन रही होगी। अगर ये फीमेल हीमोफिलिक है तो पक्की बात है एक XH तो यहां से आया है और एक XH यहां से आया है। यहां से XH आया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा क्रोमोजोम एक्स रहा होगा, कैरियर रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां से XH आया है ना, इसका मतलब XHY रहा होगा, तो फिर इसको डिजीज्ड होना चाहिए था, है ना। इसका मतलब ये बात भी फुलफिल नहीं हो रही है इस पेडिग्री के ऊपर। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म फिनाइल कीटोन्यूरिया, ऑटोसोमल होता है PKU, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाता है PKU, और सेक्स लिंक्ड नहीं है, इसलिए क्या हो गया? इनबॉर्न एरर तो है मेटाबॉलिज्म का लेकिन सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये ऑटोसोमल है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में कल भी जो DCM हुआ था जेनेटिक्स का, आप में कहा, उसमें भी एक बात हुई थी कि इसमें फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और ऐसा किसके कारण है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, जिसके कारण इसका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, बच्चा कौन सा? एक ही आंसर भी वही जाएगा, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक सिकल सेल एनीमिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव, स्टेटमेंट सही है क्या? सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव है और ऑटोसोमल है, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट चला जाएगा। फिर भी इसको फुलफिल करवा कर यहाँ पर देख लेता हूँ। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो ये क्या रहा होगा? स्मॉल है स्मॉल है, ये क्या रहा है? स्मॉल है स्मॉल है, ये भी क्या है? स्मॉल है स्मॉल है। अगर ये स्मॉल है तो पक्की बात है इस पेरेंट के पास भी एक स्मॉल है, इसके पास भी एक स्मॉल है, लेकिन दोनों में डिजीज कहीं भी नहीं है, तो ये हेटरोजाइगस कंडीशन रही होगी। बोलो जी, अब यहाँ पर स्मॉल है स्मॉल है, इसका मतलब दोनों के पास, पेरेंट के पास स्मॉल है स्मॉल है रहा होगा, इनके पास में डिजीज नहीं है, तो ये भी हेटरोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल शो कर रहा है ये कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। और सबसे खास बात, ऑटोसोमल रिसेसिव जो होता है यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे? अनअफेक्टेड पेरेंट हैव अफेक्टेड प्रोजेनी, और अनअफेक्टेड पेरेंट मिटा रहा हूं मैं, अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड प्रोजेनी है, और यहीं देखें अनअफेक्टेड पेरेंट के फिर से अफेक्टेड प्रोजेनी है, कैसा हो गया? ये ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का बन जाता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 111 हो जाता है अपना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। इसका आंसर आ गया था ना अपना ऑप्शन नंबर 4, 112। कंसिडर अबाउट द फॉलोइंग फंक्शन, निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें, केवल विचार नहीं करना है आंसर भी देना है। बोले विचार करके छोड़ दिया हमने, तो यही पूछा था। बोले फॉलोइंग फंक्शन को कंसिडर करना है, पीएच का मेंटेनेंस कर रहा है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, रोल इन रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस ऑस्मो रेगुलेशन। तो विचार करते ही पता लग गया कहीं ना कहीं ये किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। विच ऑफ दीज फंक्शन आर प्लेड बाई रीनल पार्ट, रीनल का मतलब किडनी पार्ट के द्वारा, किडनी के द्वारा कौन से फंक्शन इसमें परफॉर्म करवाए जाते हैं? पीएच मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी, बिल्कुल पीएच को मेंटेन किया जाता है। और याद रखें किडनी के फंक्शन, रीनल के जो फंक्शन एनसीईआरटी ने बता रखे हैं उसमें साफ कह रखा है पीएच मेंटेनेंस किसके द्वारा? सेलेक्टिव सिक्रीशन है,
सेलेक्टिव सिक्रीशन, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ किसका, के प्लस, एच प्लस एंड अमोनिया। इनका तो सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ के प्लस इनटू द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट के अंदर, इसका मतलब ब्लड से लेकर फिल्ट्रेट में डाला जाता है, इनटू फिल्ट्रेट। हाँ बिल्कुल, ये बातें छोटी छोटी हैं, ये इनटू द ब्लड अगर कर देता तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाता, फिर पीएच मेंटेनेंस कैसे होगी। इसका मतलब इनटू द फिल्ट्रेट होना ये जरूरी है। और इसी के अलावा रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर बाइकार्बोनेट SCO3- इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो पीएच को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है जी। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बोलेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण बनने वाले वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं, तो उनको रिमूवल करना, यूरिया वगैरह, ठीक है जी, तो इनको बाहर की ओर निकालना सही है। रोल इन रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, 2019 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, और इरिथ्रोपोइसिस में कैसे हेल्प करता है, किडनी के सराउंडिंग, किडनी के अंदर जो सराउंडिंग स्पेस है, जो अपना नेफ्रॉन है, उसके चारों ओर क्या पाई जाती है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वो इंटरस्टिशियल सेल एक हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, नाम है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो बोन मैरो है वहाँ की जो आरबीसी के लिए प्रोजिनेटर सेल हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करती हैं। तो रेगुलेशन इन इरिथ्रोपोइसिस किसके द्वारा, बाय इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किसके द्वारा है, इंटरस्टिशियल सेल इन सराउंडिंग टू नेफ्रॉन। Surrounding to nephron. इसके द्वारा ये secrete होता है erythropoietin hormone, और ये क्या करता है, RBC progenitor cell को stimulate करने का काम करता है, और उसको maintenance, RBC maintenance में भी help करता है। Osmoregulation, बिल्कुल इसमें भी kidney help करती है। Osmoregulation का मतलब क्या है, body के अंदर salt या electrolyte और water का balance बनाकर रखना, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी। इसका मतलब किडनी ये काम भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, तो आंसर ABCD चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 113। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और दूसरा स्टेटमेंट है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट, बाहर छोड़ता है आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन, बलपूर्वक अंतः श्वसन करने के बाद। ठीक है जी। अब ये दोनों स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पहले तो इसको समझ लें। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मैं इस एक्टिविटी को करके दिखाता हूँ, आपको नोटिस करना है। सबसे पहले क्या किया है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन बाहर चली गई, इसका मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन गया है तो ईआरवी बाहर गया है, ईआरवी बाहर गया है। अब ईआरवी बाहर चला गया तो फिर अब जब इंस्पायरेशन किया जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम अंदर लिया जाएगा, तो सबसे पहले ईआरवी ही आएगा अंदर, फिर टीवी फॉर इंस्पायरेशन आएगा, उसके बाद में आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एक्स्ट्रा और कितना लिया जा सकता है। इस पूरी एक्टिविटी को मैं करके बता रहा हूं, आप नोटिस करें। ईआरवी चला गया, ईआरवी आ गया, नॉर्मल टीवी आ गया, आईआरवी भी आ गया, इसका मतलब है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में तीन वॉल्यूम अंदर ले लिए मैंने, सबसे पहले ईआरवी ले लिया, फिर टीवी फॉर इंस्पायरेशन ले लिया, फिर आईआरवी ले लिया, इसका मतलब ए स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट, बाहर छोड़ता है मैक्सिमम वॉल्यूम, लेकिन किसके बाद, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद। मुझे देखें, इस स्टेटमेंट को करके बताता हूं, देखो क्या किया, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में कितना बाहर छोड़ सकता हूं, वो क्या कहलाएगा, अपना मैक्सिमम वॉल्यूम इस डेफिनेशन को बनेगा। वापस कर रहा हूं,
आईआरवी अब छोड़ना है, आईआरवी छोड़ दिया, टीवी छोड़ दिया एक्सपायरेशन का, ईआरवी भी छोड़ दिया। इसका मतलब है सबसे पहले आईआरवी छोड़ा, टीवी छोड़ा और फिर ईआरवी छोड़ दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही तो बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये तीनों वॉल्यूम में मिलकर क्या कहलाते हैं, वीसी कहलाते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहलाते हैं। कौन सा एयर का वॉल्यूम बाहर नहीं गया है, रेजिडुअल वॉल्यूम अभी भी बचा हुआ है, आरवी अंदर बचा हुआ है, जिसे प्राणवायु कहते हैं। और ये प्राणवायु कब तक है, जब तक है जान। अरे शाहरुख खान वाली नहीं, जब तक है जान मतलब जब तक जिंदा है तब तक आरवी है, और जिंदा नहीं है, प्राण नहीं है तो प्राणवायु भी नहीं है। इसका मतलब है ये भी वीसी की बात कर रहा है, ये भी वीसी की बात कर रहा है, तो ए बराबर बी होता है, बिल्कुल ए बराबर बी हो रहा है साहब। ए ज्यादा है बी से, गलत बात। और ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, इसका मतलब ए भी इन तीनों वॉल्यूम को बता रहा है, बी भी इन तीनों ही वॉल्यूम को बता रहा है। इसका मतलब बोथ वन एंड थ्री, आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर। अरे ओके, यहां से नीट में क्वेश्चन बनने की संभावना है, इन वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को अच्छे से पढ़ना है आपको। अरे बोलो भाई, चले आगे जी। क्वेश्चन नंबर 114, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग का ही क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में, एल्वियोलाई में CO2 की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर PCO2 दिया गया है। PCO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ गैस में किसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर जो है वो क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो सबको पता है एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg कहलाता है, एल्वियोलाई में 40 mmHg कहलाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में 45 mmHg कहलाता है। ठीक है जी, डायग्राम भी इसका NCERT में दिया गया है, उसको भी अच्छे से देख लें। ऑर्डर क्या बन गया अपना, 0.3 सबसे पहले आना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा, और 0.03 तो एटमोसफियर में कंसेंट्रेशन है CO2 की। ठीक है जी, तो यहाँ पर एटमोसफियरिक एयर में कंसेंट्रेशन नहीं पूछी है, पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो 0.03 आएगा। दूसरा 40 आएगा, दूसरे पे 40 आ रहा है दोनों ही जगह। तीसरा एल्वियोलाई में 40 आएगा, ये एल्वियोलाई में 45 कह रहा है, गलत हो गया, ये 40 हो गया। चौथा और पांचवा 45 आएगा, बिल्कुल आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन करेक्टर फॉर बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज के लिए कौन सा एक कॉमन करेक्टर नहीं है, याद रखना, जब भी क्वेश्चन नेगेटिव अप्रोच का हो तो अंडरलाइन कर देना उसको, नॉट ए कॉमन करेक्टर। दे फॉर्म सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, बिल्कुल, बोन भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, स्केलेटल सिस्टम बनाता है बॉडी का, इसी स्केलेटल सिस्टम में कार्टिलेज की भी बात होती है, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अपने को तो ये कह रहा है कि ये कॉमन करेक्टर नहीं होना चाहिए दोनों का। मीजोडर्मल इन ओरिजन, दोनों ही मीजोडर्मल ओरिजन की होती हैं, ठीक है जी, मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान। दे हैव लैकुनी टू कंटेन देयर सेल, इनमें क्या पाई जाती है, लैकुनी, एम्प्टी स्पेस होती है, कैविटीज पाई जाती हैं जिनके अंदर कार्टिलेज या बोन को बनाने वाली सेल पाई जाती हैं। तो लैकुनी के लिए एक चीज याद रखना है आपको, लैकुनी किसकी लैकुनी, बोन की लैकुनी और कार्टिलेज की लैकुनी, मैं बात कर रहा हूं एक लैकुनी की, एक लैकुनी में, एक कैविटी में, बोन की जो एक लैकुनी है उसमें एक ही ऑस्टियोसाइट पाई जाती है। वन लैकुनी में वन ऑस्टियोसाइट ही प्रेजेंट होती है, इसका मतलब ऑस्टियोसाइट जो है ऑस्टियोसाइट बनने के बाद वापस डिवाइड नहीं होती है, इसलिए लैकुनी में वो एक ही बनी रहती है। और यहां पर कार्टिलेज के केस में ये एक या दो बार डिवाइड हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो है 2 से 3 कोंड्रियोसाइट प्रेजेंट होती हैं, 2 to 3 कोंड्रियोसाइट, 2 to 3 कोंड्रियोसाइट की प्रेजेंस देखी जाती है कार्टिलेज में। ये लैकुनी का डिफरेंस हो गया, तो लैकुनी में इनकी सेल प्रेजेंट होती हैं ऑस्टियोसाइट और कोंड्रियोसाइट, ये बात भी सही है, कॉमन करेक्टर है। दे हैव सिमिलर प्लायबल मैट्रिक्स, नहीं साहब, जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है जी, तो प्लायबल मैट्रिक्स लचीला आधात्री जो है वो अनम्यता वाली प्लायबल पाई जाती है, तो प्लायबल मैट्रिक्स जो है वो कार्टिलेज में होता है, नॉन प्लायबल मैट्रिक्स बोन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो कॉमन फीचर नहीं है, यही अपने को फाइंड करना है, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट 116, कंसिडर अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर,
कॉकरोच की ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर आपको दे रखी है। एनएल स्टाइल स्मॉल थ्रेड लाइक फ्रेगमेंट होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, स्मॉल थ्रेड लाइक किसमें पाई जाती है, मेल में प्रेजेंट होती है एनल स्टाइल, ठीक है जी। फैलिक ग्लैंड मशरूम शेप की ग्लैंड, एनसीईआरटी की ही बात है, मशरूम शेप्ड ग्लैंड कहां पाई जाती है, सेवंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में, छठे सातवें एब्डोमिनल सेगमेंट में फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ए भी कहां पाया जा रहा है, मेल में। सी भी कहां पाया जा रहा है, मेल में, ठीक है जी। एसिमेट्रिक फैलोमियर्स, फैलोमियर्स जो हैं वो काइटिनियस स्ट्रक्चर हैं जो मेल गोनोपोर के सराउंडिंग में पाई जाती हैं, लेफ्ट और राइट फैलोमियर के रूप में, एसिमेट्रिक काइटिनियस स्ट्रक्चर। काइटिनियस स्ट्रक्चर ये भी किसमें पाया जाता है, डी भी, ये भी मेल में प्रेजेंट होता है। अपने जो पूछा क्या है, अब्सेंट इन फीमेल, तो फीमेल में ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, आंसर चला जाएगा ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर टू। इसका मतलब कोलेट्रियल ग्लैंड फीमेल में पाई जाती है, मेल में नहीं होती है। ये कोलेट्रियल ग्लैंड कहाँ होती है ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ आंसर तो अपना आ गया कौन सा, दूसरा। फीमेल के केस में एक बात बोली है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जहाँ बताई है, ऊपर वाली जो कवरिंग होती है टर्गाइट और वेंट्रल साइड वाली स्क्लेराइट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। जो स्क्लेराइट्स हैं सातवां किसके साथ है, एट्थ और नाइन्थ स्क्लेराइट के साथ मिलकर एक बोट शेप स्ट्रक्चर बनाता है, बोट शेप स्ट्रक्चर बनाता है, और ये बोट शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ब्रूड पाउच कहलाती है, ब्रूड पाउच। ये जो ब्रूड पाउच होता है या इसको जेनेटल चैम्बर भी कहते हैं, ये वाला जेनेटल चैम्बर जैसे बन गया, तो यहाँ इसके अपर डोर्सल साइड की लेटरल वॉल पर ओपन होती हैं ब्रांच्ड पैटर्न की कोलेट्रियल ग्लैंड्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्या करती हैं ये कोलेट्रियल ग्लैंड, फर्टिलाइज जो एग है जो रोज के रूप में अरेंज हो जाएंगे उन फर्टिलाइज एग के बाहर क्या बनाती है, कैप्सूल बनाने का ये काम करती है, ऊथिका कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऊथिका, ठीक है जी। तो ये इसका फंक्शन हो गया। तो कोलेट्रियल ग्लैंड किस में पाई जाती है, ये फीमेल में प्रेजेंट होती है, बाकी ये तीनों स्ट्रक्चर फीमेल में पाई नहीं जाती, आंसर दो चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 117, सेलेक्ट द प्रोसेस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन अमंग द एनिमल्स, जो उस प्रक्रम का चयन करना है जो जंतुओं में समजात अंगों के उद्विकास के लिए जिम्मेदार है, होमोलोगस, ठीक है जी। तो यहाँ एक चीज याद रखनी है, होमोलोगस ऑर्गन जो होती है उनका ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन उनका सेम होता है, ठीक है जी। ये होमोलोगस की बात हो रही है, ठीक है, सेम ओरिजिन है, इनका फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफर भी हो सकता है। तो इनके फंक्शन जो हैं वो क्या हो सकते हैं, सेम या डिफर हो सकते हैं, F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, F5 हो गया, इसका मतलब फंक्शन अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है या कन्वर्ज हो रहा है, फंक्शन के लिए डाइवर्ज ये हो रहा है, फंक्शन ओरिजिन सेम है, फिर ये डाइवर्ज बाहर की ओर एरो जा रहे हैं, तो डाइवर्ज का मतलब है रेडिएशन हो रहा है। तो होमोलोगस ऑर्गन किसके कारण आए हैं, अडेप्टिव रेडिएशन के कारण आए हैं, अडेप्टेशन के लिए ये अलग अलग फंक्शन दर्शाने लग गए हैं, ये होमोलोगस ऑर्गन कहलाता है। एनालोगस ऑर्गन की अगर बात करें, एनालोगस ऑर्गन इनमें फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इनमें सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, लेकिन ओरिजिन क्या है, O1, O2, O3, O4, O5, ऑक्सीजन नहीं है, ओरिजिन है, ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन फिर भी सेम हैबिटेट में रहने के कारण फंक्शन क्या करते हैं, ये सारे ऑर्गन सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एनालोगस कहलाते हैं। इसका मतलब रेडिएशन हो रहा है या कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है, तो अडेप्टिव कन्वर्जेंस के कारण तो एनालोगस ऑर्गन आए हैं, अडेप्टिव रेडिएशन बाहर की ओर निकल रहा है तो ये होमोलोगस। ये मैंने इसलिए बताया दिमाग में एक पिक्चर आपके बन जाए जिससे सिली मिस्टेक नहीं हो, ठीक है जी। एनाजेनेसिस क्लेडोजन, आंसर तो अपने आ गया, अडेप्टिव रेडिएशन के कारण होमोलोगस ऑर्गन आए हैं, ठीक है जी।
अब एनाजेनेसिस क्लेडोजेनेसिस क्या है ये भी देख लो। तो अपने को पता है इवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये क्लेडोजेनेसिस है, एनाजेनेसिस है। एनाजेनेसिस है। मैं चारों ऑप्शन इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि बच्चे कहते हैं हमसे सिल्ली मिस्टेक हो गई है। वो सिल्ली मिस्टेक कब होती है? जब चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता नहीं होता है। तो चारों ऑप्शन का नॉलेज आपके पास में जरूर होना चाहिए। तो इवोल्यूशन क्लेडोजेनेसिस एनाजेनेसिस होता है। क्लेडोजेनेसिस का मतलब क्या है? एक एंसेस्टर था, उस एंसेस्टर से इवोल्यूशन का एक लीनिएज बनता है। लीनिएज मतलब एक क्या बनती है? एक सीक्वेंस बनती है। ये एंसेस्टर हो गया, आगे चलकर इससे दो इंडिविजुअल अलग अलग बन जाते हैं। इसका मतलब इवोल्यूशनरी लीनिएज डाइवर्स हो जाता है, इवोल्यूशनरी लीनिएज डिवाइड हो जाता है, ये तो क्लेडोजेनेसिस कहलाता है। तो क्या बोल देंगे? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशनरी लीनिएज, इवोल्यूशनरी लीनिएज, ये तो क्लेडोजेनेसिस कहलाता है। एनाजेनेसिस का मतलब क्या है? लीनिएज एक ही है, उसी लीनिएज में, सेम लीनिएज में कुछ चेंजेज आते रहते हैं। इसका मतलब लीनिएज डिवाइड नहीं हुआ है। एंसेस्टर था, उसमें कुछ चेंजेज आ गए, ये वन था, इससे फिर टू बन गया। कुछ चेंजेज आने के कारण फिर इसे तीन बन जाता है। तो बाइफर्केट नहीं होता है आगे चलकर, ये एनाजेनेसिस कहलाता है। इसका मतलब इवोल्यूशनरी चेंजेज इन सेम लीनिएज, और यहाँ पर लीनिएज क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है। तो इवोल्यूशनरी चेंजेज विद इन लीनिएज, ये अपना क्या कहलाता है? एनाजेनेसिस कहला जाता है। ठीक है बच्चों, अगली बात आती है सॉल्टेशन। सडन चेंजेज कोई भी आते हैं किसी पॉपुलेशन में, या सडन म्यूटेशन आ जाना, या लार्ज म्यूटेशन आ जाना, ये सॉल्टेशन कहलाता है। सडन चेंज, सडन चेंज, और ऐसा किसके कारण? म्यूटेशन। ठीक है जी, तो म्यूटेशन को सॉल्टेशन वर्ड दिया है किसने? जो ह्यूगो डिब्रीज हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो सॉल्टेशन वर्ड काम में लिया गया है ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा। ह्यूगो डिब्रीज ने जो है वो वेरिएशन का कारण बताया है। किसको? सॉल्टेशन को। क्लियर। नेक्स्ट आंसर कौन सा हो गया अपना इसका? अडेप्टिव रेडिएशन के कारण होमोलोगस आया। 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, असुमेलित कौन सा है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है हर्ट के वेंट्रिकल एक बार जब बीट कर रहे हैं तो ईच वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड जो है ब्लड वेसल में पहुंच रहा है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। और उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 70 ml के बराबर होता है, 70 ml। इससे फिर अपन कार्डियक आउटपुट निकालते हैं, कार्डियक आउटपुट। ठीक है जी, एक बीट के कारण 70 ml गया है, तो एक मिनट में कार्डियक आउटपुट 1 मिनट का होता है, तो एक मिनट में कितनी बार बीट करता है? 72 times। इसका मतलब 70 ml को मल्टीप्लाई करना है 72 beats per minute से। हाँ जी, इसका मतलब 70 × 72, ये लगभग कितना आ जाता है? 5000 ml के लगभग आ जाता है, या 5 liters भी इसको कह सकते हैं अपन। ठीक है जी, तो ये अपना कार्डियक आउटपुट। यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम 5 liters कह रहा है, 5 liters तो कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट कहलाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml होता है। और मिसमैच ही देखना है अपने को, मिसमैच पहला ही हो गया। क्लोजर ऑफ एवी वॉल, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, ये जैसे एट्रिया था, ये वेंट्रिकल है, राइट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच पाया जाने वाला जो वॉल है, कस्पिड वॉल है, ये जो कस्पिड वॉल है ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर ट्राइकस्पिड होता है, याद रखो, इधर वाला बाइकस्पिड कहलाता है, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये कस्पिड वॉल को ही एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी कहते हैं। और इसके क्लोज होने के कारण, एट्रियो वेंट्रिकल के क्लोज होने के कारण पहली हर्ट साउंड आती है, फर्स्ट हर्ट साउंड आती है, लब साउंड आती है। ठीक है जी, ये बात सही है। फोर्थ चैम्बर हर्ट किस में पाया जाता है? एवीज और मैमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, याद करो, फिशेज में 2 chamber हर्ट पाया जा रहा था, एक ही एट्रिया था, एक ही उसमें वेंट्रिकल कहलाया था। बोलो जी, एम्फीबिया की अगर बात करें तो वेंट्रिकल्स वहां डिवाइड होना चालू हो गए थे, 3 chamber हर्ट बन गया था, तो यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं? सॉरी एक मिनट, यहाँ पर वेंट्रिकल्स,
अपन बात कर लें इसकी। तो ये तो अपना टू चेंबर हर्ट हो गया, एट्रिया और वेंट्रिकल टू चेंबर, ठीक है जी। उसके बाद बात करें थ्री चेंबर हर्ट में, एट्रिया तो कॉमन है, वेंट्रिकल डिवाइड होना चालू हो गए हैं, ठीक है जी, और ये थ्री चेंबर हर्ट बन जाता है किसमें, एम्फीबिया में, ठीक है। रेप्टाइल्स में भी थ्री चेंबर हर्ट की प्रेजेंस देखी जाती है, लेकिन रेप्टाइल्स का क्रोकोडिलिया ऑर्डर जिसमें क्रोकोडाइल एलिगेटर आ जाते हैं, इसमें एक्सेप्शन बनता है, फोर चेंबर हर्ट पाया जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद एविज और मैमल्स, इसमें फोर चेंबर हर्ट देखा जाएगा, तो फोर चेंबर हर्ट सही है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा बनेगा, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए देखें, ये हर्ट हो गया, ठीक है जी, आर ए, आर वी, एल ए और एल वी, ठीक है। यहां से अगर बात करें तो पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल के पीछे से ये क्या निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, ये पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये कहाँ पहुँचता है, जैसे इधर वाले लंग्स में चला गया, ठीक है, और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन वापस आती है, और कहाँ आकर ओपन होती है, इस लेफ्ट एट्रिया में ओपन होती है। ऐसे ही ये इधर वाले लंग्स में चला जाता है, लेफ्ट वाले लंग्स में, और यहाँ से फिर वापस आकर कहाँ ओपन हो जाता है, ये लेफ्ट एट्रिया में। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन चालू हुआ और लेफ्ट एट्रिया में आकर बंद हो गया, राइट वेंट्रिकल से चालू हुआ और लेफ्ट एट्रिया में खत्म हो गया, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, ये बात भी क्या है, सही है। तो पहला ही मिसमैच हो गया, ये सही है, ये सही है, ये सही है, आंसर कौन सा चला गया मिसमैच, रॉन्ग कौन सा है, ऑप्शन नंबर 119। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज नॉट प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में कौन सा सेंटर नहीं पाया जाता है मस्तिष्क के, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो रेस्पिरेशन का अपने को पता है रिदम सेंटर, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं, जो प्राइमरली रेगुलेट करते हैं ब्रीथिंग को, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में। सेंटर फॉर कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, जो हर्ट से रिलेटेड सेंटर हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं, कार्डियक साइकिल वाले, वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, चैप्टर नंबर 18 वहाँ पर ये बात दी गई है, तो ये भी सही है। सेंटर फॉर गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के सेंटर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में जब फूड पहुंचेगा बक्कल कैविटी में, तब एक स्टिमुलस हाइपोथैलेमस के पास जाएगी, और फिर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा को, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा मैसेज देता है अपने गट रीजन की डिफरेंट ग्लैंड्स को कि भोजन आया है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करना है, सही है। लेकिन याद करो सेंटर फॉर हंगर एंड थ्रिस्ट, ये कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस नर्व सिस्टम वाले चैप्टर में दिया गया है, जहाँ फोर ब्रेन है, उस फोर ब्रेन के ही लास्ट की जो तीन लाइनें हैं, चार लाइन है, वहां पर बताया गया है कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है भूख और प्यास का केंद्र, ठीक है जी। तो या वहां जो लाइन दी गई है वो अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये कहां प्रेजेंट होती है, अर्ज इच्छा कहां से उत्पन्न होती है, हाइपोथैलेमस से, ओके। आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 4 जो है, इसका सेंटर नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट नोट पूछा है, नॉट प्रेजेंट, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये सेंटर नहीं है। नेक्स्ट है, कॉर्निया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन आई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है साहब, क्योंकि लाइट रेज आएंगे उनको ये बैंड करता है लेंस की ओर, फिर लेंस से गुजरकर वो रेटिना तक पहुंचती है। द फंक्शन ऑफ कॉर्निया क्या है, जो मैंने बताया, बैंड ऑफ लाइट रेज बिफोर इट रीच द लेंस, लेंस तक लाइट रेज पहुंचने से पहले उनको बैंड करने का ये काम करता है, जो मैंने पहले भी आपको आई के डायग्राम से बताया था कि ये अपना क्या हो गया, यहाँ पर लेंस हो गया और ये लाइट वेव जा रही हैं, इन लाइट वेव लेंस तक पहुंचे उससे पहले उसको बैंड करने का काम करने का कार्य किसका है, ये कॉर्निया जो है ये इसको बैंड करने का काम करेगा, पहला आंसर चला जाएगा। प्रोवाइड कार्टिलेजिनियस सपोर्ट टू द आई, आई के लिए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन बनाता है, सबसे बाहर वाली स्क्लेरा बनाती है, ठीक है जी। स्क्लेरा जो है वो इंट्रा ओक्युलर प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करती है, आई की साइज को बढ़ने नहीं देती है, तो ये गलत है। Contain a concentrated amount of cone in the correct orientation, कॉर्निया का काम नहीं है ये, तो कहाँ हो जाएगा कि concentrated amount of cones, rod और cone cell पाई जाती हैं, रेटिना में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा कॉन कहाँ प्रेजेंट होती हैं, याद करो रेटिना का जो लेंस के फ्रंट वाला पोर्शन है वहाँ एक डिप्रेशन पाया जाता है, ठीक है जी। ये वाला पार्ट जो है ये मैकुला लूटिया कहलाता है, इसका सेंट्रल पार्ट फोविया सेंट्रलिस कहलाता है। मैकुला लूटिया में ज्यादा मात्रा में कॉर्न्स पाई जाती हैं, लेकिन जो फोविया सेंट्रलिस है
वो सेंट्रल डिप्ड पार्ट ऑफ मैकुला लुटिया फोविया सेंट्रलिस कहलाता है, उस फोविया सेंट्रलिस में केवल कॉर्न सेल ही पाई जाती है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी फंक्शन नहीं है। चेंज द शेप ऑफ लेंस टू अनेबल द इमेज टू फॉर्म डाउन द रेटिना, लेंस में जो है वो चेंजेज लेकर आना, वो चेंजेज का काम तो किसका है, इनसे अटैच जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, जो किससे जुड़े हुए हैं, सिलियरी बॉडी से जुड़े हुए रहते हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट का फंक्शन कहलाता है। ये बात किसकी है, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। चारों ऑप्शन आपको पता है तो गलती होने की संभावना नहीं है। फिर आंसर फर्स्ट चला जाएगा 121, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन नॉट अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में बात की है इन्होंने, ठीक है। इवोल्यूशन में भी बात की है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, एक आइडियल पॉपुलेशन की बात करते हैं जिसमें ये क्या कहते हैं हार्डी और विनबर्ग, ये कहते हैं कि एक आइडियल पॉपुलेशन होती है जिसमें कोई भी चेंजेस एलील फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, एलील फ्रिक्वेंसी हमेशा कॉन्स्टेंट बनी रहती है। इसका मतलब है वहाँ ना तो इम माइग्रेशन होता है ना ई माइग्रेशन होता है, ना कोई बाहर से अंदर आता है ना कोई अंदर से बाहर जाता है, ना वहाँ डेथ होती है ना किसी का जन्म होता है, ऐसी पॉपुलेशन तो नेचर में पॉसिबल है ही नहीं। अरे बोलो भैया, तो जीन फ्लो होगा, तो जीन फ्लो होने के कारण एलील फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, लेकिन ये तो क्या कहते हैं एलील फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, गलत बात। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसका मतलब है कब हो रहा है, रिप्रोडक्शन का फिनोमिना चलेगा, सेल साइकिल यहाँ पर चल रही है, ठीक है जी। और रिप्रोडक्शन का फिनोमिना अगर चल रहा है तो रिकॉम्बिनेशन वहां पर देखा जाता है, ये भी नहीं होगा। म्यूटेशन होगा तो उसमें एलिमिनेशन ऑफ जीन देखा जाएगा, इसके कारण भी फ्रिक्वेंसी एलील की चेंज होती है, तो पहले तीनों नहीं है। अब यहाँ पर जर्मिनल वेरिएशन अगर देता तो ये भी गलत हो जाता, लेकिन सोमेटिक वेरिएशन जो है वो लाइफ के दौरान ही पैदा होती हैं और इंडिविजुअल की डेथ के साथ ही वो खत्म भी हो जाती हैं, अगली जनरेशन में ट्रांसमिट वो नहीं होती हैं, अगली जनरेशन में नहीं जाती हैं, इसका मतलब एलील फ्रिक्वेंसी में चेंजेज नहीं आएगा। तो सोमेटिक वेरिएशन जो है वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट 122, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही देखना है अपने को, सही कौन सा है। ड्रायोपिथिकस वर मोर मैन लाइक देन द रामापिथिकस, एनसीईआरटी का ही लाइन है, ह्यूमन इवोल्यूशन की एनसीईआरटी ने जहां पर बात की है वहां एक बात कही है 15 MYA, 15 मिलियन ईयर अगो पहले MYA ये दोनों हुए थे, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस दोनों हुए थे। और वहीं उसी लाइन के कंटिन्यूएशन में कह रहे गए कि रामापिथिकस जो है वो ज्यादा आदमी के जैसे थे, मैन के जैसे थे, ड्रायोपिथिकस तो ऐप लाइक थे, लेकिन ये क्या कह रहा है ड्रायोपिथिकस मोर मैन लाइक, मोर मैन लाइक तो कौन है, ये रामापिथिकस है। क्योंकि इसको ऐसे ट्रिक भी याद कर लो, राम जो है वो कपी बंदरों के जैसे दिख रहे थे तो फिर सही बोल देते अपन, लेकिन वो कपियों के जैसे नहीं थे, ऐप के जैसे नहीं थे, वो मानव के जैसे, राम मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, मानव के जैसे वो दिखाई दे रहे थे। तो रामापिथिकस मोर मैन लाइक है, ड्रायोपिथिकस जो है वो मोर ऐप लाइक है, मोर ऐप लाइक। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, अपने को करेक्ट देखना है। फर्स्ट टूल मेकिंग एंसेस्टर होमो हैबिलिस, बिल्कुल ठीक बात है, इन्होंने जो है स्टोन के टूल बनाए थे, पत्थरों के औजार बनाए थे, और उनसे फिर उन्होंने जानवरों का शिकार भी किया था। तो ये बात क्या है, सही है, ठीक है जी, करेक्ट ही देखना है, ये करेक्ट चला गया। होमो इरेक्टस हैज लार्ज ब्रेन कैपेसिटी, नियंडरथल जो है उसकी ब्रेन कैपेसिटी इतनी थी, नियंडरथल, ठीक है जी। इनकी तो होमो इरेक्टस की तो 900,000 के लगभग जो है वो लगभग 900 cc ये ब्रेन कैपेसिटी थी, 1400 cc नहीं थी। होमो सेपियंस अराउज इन एशिया, ठीक है जी, एंड मूव्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, तो ये वाला भी गलत हो गया। फर्स्ट टूल मेकिंग एंसेस्टर होमो एबिलिस आंसर चला गया, ये गलत क्यों है, यहाँ पर अफ्रीका आना चाहिए था, ठीक है जी। एशिया में ओरिजिनेशन की अगर बात करें तो एशिया में नियंडरथल जो थे वो एशिया में उनका ओरिजिनेशन देखा गया था, सेंट्रल एशिया, ठीक है जी, और यहाँ अफ्रीका आना चाहिए था, इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सही स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 123, दो कॉलम दिए हैं, इनको मैच करना है और सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है अपने को। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, छनने का काम कहाँ होता है, याद करो ये बाउमन कैप्सूल था और यहाँ आने वाली एफरेंट और जाने वाली इफरेंट, ठीक है जी। तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बनी थी, कैपिलरीज, कैपिलरी का बेड बना था जिसे ग्लोमेरुलस कहा था, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है,
ये बाउमन कैप्सूल कहलाता है। बाउमन कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस ये मेल्पिगियन बॉडी कहलाता है। तो आप देखें मेल्पिगियन कॉर्पसल्स दिया है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ होता है, इसका मतलब ए का तो 4 आना चाहिए। मैच दी कॉलम में आप इसके सामने मैचिंग लिख दोगे, ये नहीं करना है इधर से एरो लगा दिया इधर से एरो, फिर तो पता ही नहीं चलेगा। अगर ज्यादा ऑप्शन हो गए तो आपस में एरो जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। यहाँ लिखना है आपको कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के कंसंट्रेशन में कौन हेल्प करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो पोर्शन एनसीईआरटी ने बता रखा है वहां दो स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे दे रखा है, लूप ऑफ हेनले कंसंट्रेशन करवाता है, वासा रेक्टा कंसंट्रेशन करवाता है। ठीक है जी, तो लूप ऑफ हेनले और या वासा रेक्टा इनमें से देख ले, हेनले लूप दे रखा है तो बी का आ जाएगा फर्स्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन कौन सा करता है, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है, यूरेटर ऐसा करवाता है तो ये सेकंड चला जाएगा। स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन डिप्लेटर हो जाएगा, इसका मतलब ये अपना चला गया। ठीक है जी, तो फिर आप देखें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का कोई रोल यहाँ पर है नहीं। 4, 1, 2, 3 आंसर देखें 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। मैच हो गया, चले आगे। GnRH ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है जी, तो रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेटेड है, सबको पता है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड टू रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन, कहाँ एक्ट करता है ये GnRH, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अपना हाइपोथैलेमस हो गया, ये इन्फंडिबुलम कहला गया, और ये अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी होगी, ये अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगी, और डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन हाइपोथैलेमस का किसके ऊपर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर होता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ में हाइपोथैलेमस का पोर्टल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है जी, ब्लड के द्वारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं, इसका मतलब है जो GnRH यहां से सिक्रीट होगा वो GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और यहां से फिर क्या बोला है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोप सेल के ऊपर एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी की, और एंटीरियर पिट्यूटरी की गोनेडोट्रोप सेल से फिर रिलीज होते हैं FSH एंड LH। ठीक है जी, तो फिर अपना क्या हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर नहीं आएगा, एंटीरियर आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन, नहीं जाए ऑक्सीटोसिन तो कहां से सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। याद करो जो पोस्टीरियर लोब है वहां से दो हार्मोन है, एक है ऑक्सीटोसिन एक है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन ऑल्सो नोन एज ADH के नाम से भी जाना जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH FSH इन दोनों का सिक्रीशन करवाता है, आंसर कौन सा चला जाएगा 4। अपने से ये पूछा है कि एक्ट ऑन कहां एक्ट करता है और क्या सिक्रीट करता है। 125 डार्विन जज द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बताई है, ठीक है जी, वहां पर कहा है कि नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो मोस्ट फिटेस्ट होता है, और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फिटनेस की वो बात करते हैं। ठीक है जी, तो डार्विन के अनुसार जो फिटनेस है वो किसके अकॉर्डिंग है कि नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करता है, जो ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है वो रिप्रोडक्टिवली फिट है, और जो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है उसको नेचर फिर सिलेक्ट नहीं करेगी। तो एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ, स्ट्रेटेजी ऑब्टेन फूड या डोमिनेंसी ओवर अदर इंडिविजुअल, ये बात नहीं आएगी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात आएगी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 126। यूरेथ्रा ओपन्स एट एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ठीक है जी, तो यूरेथ्रा बाहर की ओर ओपन होता है, मेल में यूरेथ्रा के बाहर की ओपनिंग जो है वो यूरिनो जेनिटल अपर्चर कहलाती है, क्योंकि वहां से यूरिन भी बाहर आ रहा है और ऐसे ही गैमेट्स भी रिलीज आउट हो रहे हैं। ठीक है जी, या सिंपली यूरेथ्रल मीटस। फीमेल में यूरेथ्रल मीटस अलग होता है और वेजाइनल अपर्चर अलग कहलाता है। ठीक है जी, तो बात ठीक है कि यूरेथ्रा की बाहर की ओर ओपनिंग जो है वो यूरेथ्रल मीटस है, सही है। कवरिंग ऑफ ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस का मतलब ये जैसे पेनिस होगी, ठीक है, इस पेनिस का आगे वाला फूला हुआ जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, GP कहते हैं। ठीक है जी, इस ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन का एक फोल्ड पाया जाता है भैया, ठीक है जी, और ये स्किन का फोल्ड जो है ये अपनी ग्लांस पेनिस होगी, स्किन का फोल्ड इसके ऊपर क्या कहला गया, फोर स्किन या प्रीप्यूस भी कहते हैं, प्रीप्यूस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये बात भी सही है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट एम्पुला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, निषेचन फेलोपियन नलिका के एम्पुला स्थल पर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ओनली AB गलत, ABC आर करेक्ट सही, AC करेक्ट, BC फॉल्स नहीं, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट 127, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 टू 20 मेमोरी लोब्स, NCERT के पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन लिया गया है,
कि मेमोरी ग्लैंड का जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसमें कितनी होती है मेमोरी लॉब, 15 से 20 मेमोरी लॉब पाई जाती है। याद रखें ईच ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, और ह्यूमन फीमेल में अगर पूछ लेता कितनी मेमोरी लॉब्स होती हैं ह्यूमन फीमेल में, तो इसको डबल कर दो 30 to 40 हो जाता फिर, ठीक है। तो ये बात तो सही है। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, बिल्कुल ये बात भी सही है, एनसीईआरटी की ही लाइन है। जो सर्टोली सेल्स हैं वहाँ से नरिशमेंट लेने के बाद में जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो कहाँ पहुँचते हैं, एपिडिडाइमिस रीजन तक जाएंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से उनका रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है, लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर पहुँचना वो इनसेमिनेशन कहलाता है, ठीक है, ये बात सही है। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट फनल शेप्ड होता है, इनफंडिबुलम जॉइन द यूट्रस, नहीं साहब, लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर तो इनफंडिबुलम सही है, लेकिन इनफंडिबुलम यूट्रस को ज्वाइन नहीं करता है, इनफंडिबुलम तो ओवरी के क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है। तो यहाँ पर लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट जो यूट्रस के क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है वहाँ पर क्या आना चाहिए था, 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, इस्थमस आना चाहिए था यहाँ पर, इस्थमस, ये पार्ट ये रॉन्ग हो गया। ऐसी साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले जो चेंजेज हैं वो एंडोमेट्रियम में होते हैं, मायोमेट्रियम में नहीं होते हैं। 3 लेयर होती हैं यूट्रस की, ये यूट्रस है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ओपन हो रही हैं, यहाँ सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम, उसके बाद वाली क्या कहलाती है, मायोमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो चेंजेज आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो इस लेयर के जड़ने के कारण होती है, रिलीज आउट होने के कारण होती है, तो मायोमेट्रियम की जगह क्या आना चाहिए, एंडोमेट्रियम आना चाहिए, एंडोमेट्रियम। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आपने से पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट कितने हैं, ए और बी करेक्ट हैं, 4 में से 2 करेक्ट हैं, 2 करेक्ट का मतलब आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ओके। 128, What is false for GIFT? GIFT बोले तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये बात तो सही है, लेकिन अपने से तो फॉल्स पूछा है, अपने से फॉल्स पूछा है, ये बात सही है। ओवम फ्रॉम ए डोनर इज ट्रांसफर्ड इनटू द ओविडक्ट ऑफ द रेसिपिएंट। GIFT गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाया जा रहा है, क्या कारण रहा होगा गैमेट को पहुंचाया जा रहा है, तो गैमेट ओवा भी हो सकता है या फिर स्पर्म भी हो सकता है। अगर गैमेट ओवा है जो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाया जा रहा है, इसका मतलब फीमेल जो है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं करवा पा रही है, बोलो जी। अगर स्पर्म का ट्रांसफर किया जा रहा है, इसका मतलब है जो हस्बैंड है वो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है, ये कारण रहा होगा, बोलो जी। तो गैमेट को अगर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म तो ये है, और इसमें ओवम फ्रॉम ए डोनर इज ट्रांसफर्ड इनटू द ओविडक्ट ऑफ रेसिपिएंट, सही बात है। अगर एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है फीमेल तो डोनर से एग लेकर वहां ट्रांसफर करवाएंगे, सही है। रेसिपिएंट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, तो बात यही है ना, ये वाली बात बोल दो, डोनर से एग लेकर पहुंचा दो, या जो रेसिपिएंट है जिसके अंदर गैमेट पहुंचाया जा रहा है जो फीमेल है वो खुद ओवम नहीं प्रोड्यूस कर रही है, सेकेंड और फोर्थ बात तो सेम होगी। ये कह रहा है जायगोट फ्रॉम ए डोनर इज ट्रांसफर्ड इनटू द ओविडक्ट ऑफ रेसिपिएंट। अब जायगोट डोनर से जायगोट लिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया, जायगोट को इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर किया जा रहा है, इसको गिफ्ट कहते हैं, ZIFT, गिफ्ट नहीं कहते, गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट है, ये जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ये कहलाता है, ZIFT, ठीक है। तो अपने से फॉल्स पूछा है, ऑप्शन नंबर 3 फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट 129, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट, विच ऑफ दीज करेक्टर आर प्रेजेंट इन अडेप्टिव इम्यूनिटी। सभी जानते हैं 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है भैया, इननेट होती है और अडेप्टिव होती है। इननेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है बाई बर्थ, बर्थ से ही प्रेजेंट रहती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी लाइफ साइकिल के दौरान गेन की जाती है, गेन ड्यूरिंग लाइफ स्पान, ठीक है। अपने से पूछा क्या है अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, अपने से बात की है, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी या इसे एक्वायर्ड भी कहते हैं, अडेप्टिव कह दो या एक्वायर्ड कह दो, एक ही बात है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे एक्वायर किया गया है लाइफ स्पान के दौरान। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी की 2 खास बात होती है, कौन कौन सी,
एक तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी इसके पास पाई जाती है, एक मेमोरी इसके पास में पाई जाती है। एंटीजन को स्पेसिफाई ये कर सकती है कि एंटीजन कैसा है, इसका मतलब है सेल्फ एंटीजन फॉरेन एंटीजन इन दोनों के बीच में अंतर भी पैदा कर सकती है, डिस्क्रिमिनेट भी कर सकती है, याददाश्त भी होती है पुराने इन्फेक्शन की कि कोई इन्फेक्शन पहली बार हुआ था तो ज़्यादा टाइम लगा था ठीक होने में, लेकिन अगली बार जब होगा, जब सेकेंड अटैक उसका होगा तो रैपिडली आइडेंटिफाई उसको कर लेगी, लार्ज प्रोडक्शन एंटीबॉडीज का बॉडी में हो जाएगा और उसको खत्म कर दिया जाएगा, ओवरकम कर दिया जाता है इन्फेक्शन को। ठीक है जी, तो एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी एंटीजन की स्पेसिफिसिटी होती है, एंटीजन में डाइवर्सिटी सेल्फ या नॉन सेल्फ एंटीजन को डाइवर्स भी कर सकती है, अंतर भी पैदा कर सकती है, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट दोनों के बीच में अंतर भी पैदा हो सकता है, मेमोरी ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन ये भी उसके पास में पाया जाता है, इसका मतलब चारों ही हो जाएंगे ए बी सी डी, इसका मतलब है आंसर कौन सा चला जाएगा, फोर्थ चला जाता है। यहाँ पर ए बी ओनली दिया है, यहाँ पर बी सी डी ओनली दिया है, इसलिए गलत हो गया, ए सी डी ओनली दिया है, आंसर चारों ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर। अरे ठीक है भैया, ऐसे ही दो इम्यूनिटी और भी होती है, एक होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव, पैसिव होती है एक एक्टिव होती है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब तो क्या है कि बॉडी का खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है, बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन पैसिव में बॉडी का खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बाहर से उसको एंटीबॉडीज दी जाती हैं, किसको खत्म करने के लिए, एंटीजन को खत्म करने के लिए। ओके 130, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स एंड फंक्शन। ठीक है जी, ये चार ऑप्शन दिए हैं आपको, ड्रग अफीम है, अफीम में मॉर्फिन बोला है इन्होंने, सोर्स पेपेवर सोमिनिफेरम, बिल्कुल ठीक बात है, इसके लेटेक्स से प्राप्त होती है, ये इसके लेटेक्स पार्ट से प्राप्त होती है, और इसके लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सीएनएस में, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीआईटी में, सीएनएस एंड जीआईटी, इनमें क्या पाए जाते हैं, इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं सारी। फंक्शन पेन किलर है, डिप्रेसेंट है, ये दर्द निवारक होती है, या ये संदमन प्रभाव करती है, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, तो ये बात तो क्या है, पहली बात तो सही है, अपने से पूछा क्या है, नॉट करेक्टली मैच, पूछा इनकरेक्ट पूछा है, कैनाबिनोइड से है, कैनाबिस सटाइवा इससे, इसके इनफ्लोरेसेंस से, इनफ्लोरेसेंस का मतलब हो गया फ्लावर टॉप से, या फिर जो लीव्स हैं उनसे इसको ऑब्टेन किया जाता है कैनाबिनोइड्स, कैनाबिनोइड्स आजकल जो खिलाड़ी हैं प्लेयर्स हैं वो भी इसको काम में लेते हैं। ठीक है जी, और किस लिए काम में लेते हैं, यूफोरिया के लिए। ठीक है जी, वो बताते हैं यूफोरिया, एक मिनट, तो कैनाबिनोइड्स एक्साइटमेंट के लिए प्लेयर्स काम में लिया जाता है, सोर्स इसका कैनाबिस सटाइवा हो गया, इसके इनफ्लोरेसेंस से। फंक्शन अफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, एनसीईआरटी की लाइन है, तो तीनों ही बातें सही हो गई इसकी। क्या प्रोड्यूस करेगा ये, एक्साइटमेंट पैदा करेगा, एक्साइटमेंट पैदा होगा इसका मतलब हार्ट बीट बढ़ती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करता है, क्रैक बोल दो, या इसे ही कोकीन भी कहा जाता है, कोकीन भी कहते हैं, या इसे ही कॉक भी कहा जाता है। ठीक है जी, क्रैक हो गया, कोकीन हो गया, कोक हो गया, या कोका एल्केलॉइड भी कहते हैं, कोका एल्केलॉइड भी कहते हैं। इरिथ्रोजाइलम कोका से इसको प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल ये सोर्स हो गया, और फंक्शन इसका प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब है आनंददायक महसूस करना, प्लीजरेबल फीलिंग। प्लीजरेबल, ठीक है जी, तो ये बात भी सही है। एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, एलएसडी की फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, ये एनसीईआरटी से एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जरूर याद रखनी है, बाकी तीनों तो दिए हुए हैं ना एनसीईआरटी में, तो आपने पढ़ लिया इनको, तो एक एडिशनल उसी से ही रिलेटेड कोई बात पूछी भी जा सकती है। तो एलएसडी जो है वो क्लेविसेप परपूरिया फंगस है वहां से प्राप्त होती है, यहाँ फ्लावर टॉप ऑफ कैनाबिस दे रखा है, ये बात गलत होगी, तो एलएसडी कहाँ से है, क्लेविसेप परपूरिया, क्लेविसेप परपूरिया फंगस,
इससे ऑब्टेंड किया जाता है इसको, ठीक है जी। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 131। आउटब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज, ऐसा क्यों है? तो पहले तो आपको याद रखना है कि एनिमल ब्रीडिंग की अगर बात करें, एनिमल ब्रीडिंग ये होती है इनब्रीडिंग या आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग बोल दो या आउटब्रीडिंग कह दो। इनब्रीडिंग का तो मतलब है सेम ब्रीड में क्रॉस होगा और 4 से 6 जनरेशन जो हैं वो उनके बीच ही क्रॉस होगा, ठीक है जी। 4 से 6 जनरेशन तक एंसेस्टर सेम रहेगा, तो सेम ब्रीड, सेम ब्रीड और सेम एंसेस्टर, सेम एंसेस्टर तक के बीच में क्रॉस है, कब तक? 4 to 6 जनरेशन, ठीक है जी। आउटब्रीडिंग 3 प्रकार की हो जाती है, एक बनता है आउटक्रॉस, एक बनता है क्रॉस ब्रीडिंग, एक बनता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर तो स्पीसीज ही अलग हो जाती है इंटर स्पेसिफिक में, वो म्यूल वाला खच्चर वाला एग्जांपल आ जाएगा। क्रॉस ब्रीडिंग की अगर बात करें तो क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड अलग हो जाती है, सेम ब्रीड नहीं रहती है। यहाँ पर आउटक्रॉसिंग में, आउट ब्रीडिंग का आउटक्रॉसिंग टाइप में ब्रीड तो सेम रहती है इन ब्रीडिंग की तरह, लेकिन कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 पीढ़ी तक कोई कॉमन एंसेस्टर के बीच में क्रॉस नहीं है, 4 से 6 पीढ़ी के बाद वाला एंसेस्टर हो सकता है। तो आउटक्रॉसिंग के लिए याद रख लें, सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर, नो कॉमन एंसेस्टर फॉर टू 6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आउटब्रीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों? इज यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लगातार इनब्रीडिंग होना, क्लोज रिलेटिव के बीच में लगातार ब्रीडिंग करवाया जाना, उसके कारण स्टरलिटी भी आती है, फर्टिलिटी घटती है, स्टरलिटी आ जाती है, प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है डिक्रीज प्रोडक्टिविटी और क्या हो जाएगा? स्टरलिटी। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन आउटब्रीडिंग इम्पोर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री में बिकॉज ये यूजफुल है ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर लगातार इनब्रीडिंग हो रही है, वहाँ पर एक सिंगल आउटब्रीडिंग आउटक्रॉस करवा दिया जाए तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाता है। पहला आंसर ही सही है। एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन। ये काम किसका है? इनब्रीडिंग का है। हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, इनब्रीडिंग का काम है। इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन ऑफ एनिमल, इनब्रीडिंग। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट 2, 3 और 4 ये किसके लिए हैं? इनब्रीडिंग के लिए हैं, ठीक है जी। तो लगातार इनब्रीडिंग होगा तो हार्मफुल रिसेसिव जीन जो है वो एक्सपोज हो जाएगी और उस हार्मफुल रिसेसिव जीन को फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है, उस इंडिविजुअल का फिर क्रॉस ही नहीं करवाया जाता किसी के साथ। एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, अगर हार्मफुल को एक्सपोज करेगी तो सुपीरियर जीन को एक्यूमुलेट करने में भी मदद करेगी। और यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन, प्योर लाइन कैसे होता है? सेल्फ ब्रीडिंग के करवाए जाने पर, लगातार इन ब्रीडिंग करवाए जाने पर प्योर लाइन प्रोड्यूस हो जाता है, जैसा मेंडल ने किया था, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, आंसर फर्स्ट चला जाएगा अपना 132। ए टोटल 1000 सीड वर ऑब्टेंड फ्रॉम, एक क्रॉस दिया है आपको, उससे 1000 सीड आ गए, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दिखने से ही पता लग गया। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस हैविंग होमोजाइगस जीनोटाइप फॉर बोथ करेक्टर, दोनों करेक्टर के लिए होमोजाइगस, ना तो इसने होमोजाइगस डोमिनेंट बोला है ना ही होमोजाइगस रिसेसिव कहा है। तो डाई हाइब्रिड के लिए कल एक ट्रिक आपको DCM जो हुआ था जेनेटिक्स का, उसमें बताई भी थी मैंने। फिनोटाइप क्या आता है? 9331 आता है, और इस 9331 के फिनोटाइप के लिए जीनोटाइपिक पोर्शन क्या बनता है? 122:4। 9 फिनोटाइप जो बनेंगे राउंड एंड येलो, इसमें तो जीनोटाइप ये 4 बनते हैं, यहाँ पर 1-2, यहाँ पर 1-2 और यहाँ पर 1, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो एक इंडिविजुअल बनता है ये प्योरेस्ट फॉर्म राउंड येल्लो की बनेगी, RRYY, बोलो जी। इसमें बाकी में दोनों करेक्टर के लिए होमोजाइगस कंडीशन कहीं भी नहीं बनेगी। दूसरा क्या था?
राउंड एंड येलो की जगह ग्रीन आया था, राउंड एंड ग्रीन, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म राउंड के लिए आरआर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये भी होमोजाइगस है दोनों करेक्टर के लिए, ये भी होमोजाइगस है क्योंकि इसने डोमिनेंट या रिसेसिव तो बोला ही नहीं है ना। इसका मतलब है, अब आगे जो है वो रिंकल्ड बनेगा एंड येलो बनेगा। रिंकल्ड और येलो की प्योरेस्ट फॉर्म एक इंडिविजुअल ऐसा बनता है, तो रिंकल्ड का मतलब आरआर और येलो प्योरेस्ट ये बनेगा, तो ये दोनों भी होमोजाइगस हैं, ठीक है जी। और लास्ट वाला इंडिविजुअल तो होमोजाइगस होता ही है, रिसेसिव फॉर्म होती है, ये वाला बनेगा। इसका मतलब 16 में से 4 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो दोनों करेक्टर के लिए, बोथ करेक्टर के लिए होमोजाइगस जीनोटाइप दर्शा रहे हैं। ये होमो है एक करेक्टर, ये दूसरे करेक्टर के लिए होमो, पहले के लिए होमो, दूसरे के लिए होमो, पहले के लिए होमो, दूसरे के लिए, पहले के लिए, दूसरे के लिए, बोलो जी। तो 4 out of 16 ऐसा हो रहा है। इसका मतलब जब 16 थे तब तो अपने को 4 मिल रहे थे ऐसे दोनों के लिए होमोजाइगस, लेकिन जब एक होगा तो कितना मिलेगा, 4/16 मिलेगा, और जब 1000 होगा तो कितना मिलेगा, 4/16 गुना 1000 करना है भैया, सिंपल सी बात है। 4/16 से 4 बार गया और 4000 से 250, आंसर अपना कितना आ जाएगा, 250 आ जाता है। ओके नेक्स्ट 133, ए जीन विद 5 डिफरेंट एलील कैन फॉर्म डिफरेंट जीनोटाइप। तो ए जीन विद 5 डिफरेंट एलील, अलग अलग एलील है, मल्टीपल एलील में, मल्टीपल एलील में टाइप ऑफ जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, n(n+1/2), ठीक है जी। एलील कितनी है, 5 है, n बराबर 5 है, इसका मतलब 5(5+1/2), तो ये कितना हो जाएगा, 5(6/2), 30/2, और 30/2 कितना आ जाता है, 15, आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 3। मल्टीपल एलील में जीनोटाइप ऑफ जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट 134, डायग्राम देखते ही पता चल गया सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर डीएनए में सीक्वेंस की बात करें तो जीएजी की जगह जीटीजी आ जाता है, एमआरएनए पर कोडोन की बात करें चेंज की तो जीएजी की जगह जीयूजी आ जाता है एमआरएनए पर, और अगर जो पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, जो ग्लोबिन चेन बन रही है, उसकी 6th पोजीशन पर जीएलयू की जगह, ग्लूटामिक एसिड की जगह 6th पोजीशन पर वैलिन आ जाता है। ये सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन है और ये जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहलाएगा। तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, बी हीमोफीलिया, आंसर सिकल सेल चलाएगा। अल्फा थैलेसीमिया में बता दिया आपको 16th क्रोमोसोम की 2 जीन होती हैं, दोनों पेरेंट की टोटल 4 जीन हो गई, उनमें डिफेक्ट के कारण हो सकता है। बीटा थैलेसीमिया जो है, यहाँ पर भी अपने बात की थी कि 11th क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाई जाती है, सिंगल जीन HBB प्रेजेंट होती है। टाइप बी हीमोफीलिया, टाइप ए हीमोफीलिया में तो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 जो है उसकी एब्सेंस होती है, और टाइप बी हीमोफीलिया में जो है क्लोटिंग नंबर 9, जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर कहा जाता है, उसकी कमी के कारण होता है। आंसर इसका क्या चला जाएगा, ये डायग्राम किसका है, सिकल सेल एनीमिया। 135, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है जी। मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए बताना है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बिल्कुल है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, बिल्कुल सही है। फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, बिल्कुल सही है। एल्बिनिज्म ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अपने को क्या इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर बाकी सारा आपका ठीक है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एनसीईआरटी ने एक पेडिग्री बता रखी है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको याद रखना है। एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी मसल से रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर का एक ग्रुप है, 9 डिसऑर्डर्स हैं इसमें, ग्रुप ऑफ 9 जेनेटिक डिसऑर्डर। इसी में से ही वन ऑफ देम कौन सा है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इन्हीं में से ही एक है, ठीक है जी। ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है, इसमें प्रोलॉन्ग्ड मसल टेंशन आ जाती है,
मसल में लंबे समय तक खिंचाव रह जाता है, प्रोलॉन्ग। मसल टेंशन देखा जाता है, ठीक है जी। और ये प्रोलॉन्ग मसल टेंशन को मायोटोनिया कहा जाता है, और मायोटोनिया इस कंडीशन को कहा है तो डिसऑर्डर को मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी कह दिया, डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है जी। तो डिजनरेशन ऑफ मसल हो जाएगा यहाँ पर, पहला आंसर आंसर नंबर 4 चला जाएगा इसका। नेक्स्ट, अब सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। इस सेक्शन बी में कोई 10 आपको करनी है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन तो 15 का करवाना है, मेरे को 10 नहीं करने हैं। मेरे को पता नहीं है आपने कौन से किए हैं, इसलिए पूरे देखेंगे अपन। साइंटिफिक नेम दिया है कॉलम ए में और कॉमन नेम दिया है कॉलम बी में, इनको मैच करना है, ठीक है। एंड फाइंड आउट करेक्ट वन फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो, सही मैच को पता करना है। मैंड्रीना ये ऐसा कहाँ है, सिलेंट्रेटा में देखा था अपन ने, और मैंड्रीना ब्रेन कोरल हो जाएगा, ठीक है जी। गुरु नीति में आपको इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी, अगर गुरु नीति आपने नहीं देखी है तो वो गुरु नीति भी जरूर देख लें, क्लासिफिकेशन को याद करने की ट्रिक वहां पर बताई गई है। मैंड्रीना यहाँ पर माइंड से रिलेटेड हो गया, ये नाम कैसा लग रहा है, माइंड से रिलेटेड, तो माइंड का मतलब क्या हो गया, ब्रेन, तो मैंड्रीना तो फोर्थ चला जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही वहां पर गोरगोनिया, गोल गोल कौन घूमता है, फैन घूमता है, है ना, तो गोरगोनिया से रिलेटेड भी ट्रिक वहां पर बताई गई है, यहाँ मैंड्रीना हो जाएगा, सी फैन कहा है उसको। लिमुलस किंग क्रैब कहा जाता है, लिविंग फॉसिल है भैया, ये 5 हो जाएगा। फैसियोला लीवर फ्लुक के लिए हो गया। ओफियोरा इकाइनोडर्मेटा में ब्रिटल स्टार को बोला है अपन ने। एनसाइक्लोस्टोमेटा हुक को कहा है, इसका मतलब ये सेकंड हो जाएगा। तो 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2 कहाँ है, पहले 4 आना चाहिए, ये नहीं है, 4 के बाद में 5 आना चाहिए और उसके बाद में 3 आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। तो 4 5 पहले 1 आना चाहिए ना, पहले 1 आना चाहिए, एक मिनट, तो आप देख लें 4 5 1 3 2, 4 5 3, 4 5 1 2 3 बोला है, पहले 3 2 आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर पहले 5 आ गया, गलत हो गया, 4 5 1 3 2, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट, जो चैप्टर नंबर 4 है एनिमल डाइवर्सिटी का, वहां पर कॉर्डेट जहाँ चालू हो रहे हैं वहां पर ये डायग्राम आपको दिखा रखा है। बी जो है वो तो नरकॉर्ड है, नरकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड है, याद रखना नीचे वाला नोटोकॉर्ड है, ये गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स, ये पोस्ट एनल पार्ट है, पोस्ट एनल पार्ट हो जाएगा, ये पहचानना है। ए नोटोकॉर्ड किस में दे रखा है, ए गिल स्लिट है, ये नर्व कॉर्ड है, नीचे वाली नर्व कॉर्ड नहीं, ए नोटोकॉर्ड है, ए नोटोकॉर्ड है, सही है। बी नर्व कॉर्ड है, बी नर्व कॉर्ड है, सही है। सी गिल स्लिट से है यहाँ पर, और यहाँ पर पोस्ट एनल पार्ट सी वाला बता रखा है ना, सी गिल स्लिट से है, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट है 138, केयरफुली रीड द फॉलोइंग ऑप्शन एंड चूज आउट द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट एंड अकॉर्डिंगली चूज द आंसर, ठीक है जी। तो नॉट करेक्ट वो देखने हैं अपने को जो सही नहीं है। लैरिंग्स इज एक लिगामेंटियस बॉक्स, कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है भैया, ये बात तो गलत होगी। ग्लोटिस कवर दी एपिग्लोटिस ड्यूरिंग स्वलोइंग, निगलने के दौरान एपिग्लोटिस ढकता है ग्लोटिस को, ये कह रहे हैं निगलने के दौरान ग्लोटिस एपिग्लोटिस को ढकता है ना, एपिग्लोटिस ग्लोटिस को ढकता है, ये बात भी गलत होगी। एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा इसके वेंट्रल साइड में, फिर उसी लेवल पर ट्रेकिया डिवाइड होती है किस में, प्राइमरी ब्रोंकाई में, लेकिन इसने तो डिवाइड प्राइमरी ब्रोंकाई को किया है तो ये भी गलत हो गया। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एंड एल्विओलाई कंप्राइजेस द लंग्स, ये बात सही है, अपने को इनकरेक्ट देखना है तो इनकरेक्ट हो गया 1 2 और 3, 1 2 ओनली ये गलत है, 4th ओनली गलत है, तो इनकरेक्ट हो गया 1 2 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट 139, करेक्टली फिल द ब्लैंक स्पेस, एक नीचे स्टेटमेंट दिया है, सही कथन को बनना है अपने को और करेक्टली फिल करना है, लेकिन याद रखना चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत का पता करना है अपने को। तो क्या बोला है, इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है, सीरोसा है, तीनों ही चारों ही जगह सीरोसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम, एनसीईआरटी की लाइन है, मीजोथीलियम यहाँ भी है, यहाँ भी है,
मेजोथीलियम बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेजोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ ये रुक गई बात। अगली बात, सी फाउंड बाई स्मूथ मसल, और यहाँ पर जो है वो स्मूथ मसल, सी के लिए मस्कुलरिस आएगा, मस्कुलरिस, सी के लिए मस्कुलरिस इसमें आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन तो सही ही हो गया, ओवरऑल ये सही हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद कह रहा है सी मस्कुलरिस और कहाँ दे रहा है, सी मस्कुलरिस, ये भी सही है। यहाँ पर सी लॉन्गिट्यूडनल है, इसका मतलब ये गलत हो गया, सी लॉन्गिट्यूडनल नहीं आएगा। मस्कुलरिस फाउंड बाई स्मूथ मसल यूजली अरेंज इंटू इनर, इनर तो सर्कुलर होती है, इसका मतलब डी की जगह सर्कुलर आना चाहिए, ये सही है। डी की जगह म्यूकोसा आ रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है। और अगली बात देखें, और आउटर लेयर कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल ई की जगह लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल सही है, यहाँ ई लॉन्गिट्यूडनल। तो पहले तीनों ऑप्शन में देखें सारी ही जगह सही चीज भरी हुई है, ठीक है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में सब कुछ गड़बड़ है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर फोर। और इधर भी क्या दे रखा है, असत्य विकल्प को चुनना है, असत्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर। अरे ठीक है, तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, आइडेंटिफाई डिसऑर्डर रेस्पेक्टिवली हुज डेफिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे कुछ स्टेटमेंट कथन दिए हैं आपको, और वो कथन किसके बारे में, कुछ डिसऑर्डर के स्टेटमेंट के बारे में बता रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण वन ऑफ मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग है, इसका मतलब ये एम्फाइसीमा की बात कर रहे हैं, एम्फाइसीमा। कंजेशन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम, कंजेशन ऑफ लंग हार्ट फेल्योर में देखा जाता है, हार्ट फेल्योर। इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट ये बन जाते हैं, ये रीनल कैलकुलाई में देखा जाता है, रीनल कैलकुलाई। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैट, मसल गेट फैटिग हो जाती है, पैरालाइज्ड भी हो जाती है, वीकनिंग हो जाती है मसल की, और ऐसा कहां देखा जाता है, मायस्थीनिया ग्रेविस में। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, ये कॉन्स्टिपेशन में भी होता है, डायरिया में भी होता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है, ठीक है जी। अब देख लो, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी बाउल मूवमेंट हो गया तो सबसे पहले एम्फाइसीमा आना चाहिए, इसका मतलब अस्थमा पहला ऑप्शन तो नहीं है अपना, ठीक है जी। दूसरा हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर है, हार्ट फेल्योर है, हार्ट फेल्योर है, हार्ट अटैक है, इसका मतलब है। चौथा ऑप्शन भी नहीं है, आंसर इन दो में से जाएगा। तीसरा रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई है दूसरे में, इसमें भी रीनल कैलकुलाई है। चौथा मायस्थीनिया ग्रेविस है, यहाँ जो है वो भी, एक मिनट, सेकंड में मस्कुलर डिस्ट्रॉपी है, ये ऑटोसोमल हो जाएगा, वो सॉरी मस्कुलर डिस्ट्रॉपी अभी आपको बताया था कि डिजनरेशन ऑफ मसल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें क्या बोल रहा है, मसल के लिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट किसमें होगा, मायस्थीनिया ग्रेविस में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं जाएगा। फिर आंसर कौन सा चला गया, थर्ड, और थर्ड चला गया तो लास्ट वाले के लिए एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टिपेशन डायरिया, यहाँ पर क्या दे रखा, डायरिया, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है 141, करेक्टली फिल द ब्लैंक स्पेस ऑफ गिवन स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट वन फ्रॉम गिवन ऑप्शन, एक स्टेटमेंट दे रखा है, सही बताना, एनसीईआरटी की लाइन है, हर्ट क्या है, मेजोडर्मल है, which is situated in the कहाँ, thoracic cavity, between कहाँ, दो lungs के बीच में, slightly tilted to the left side में tilted होता है, याद करो, ये heart है, ये broad portion है, ये narrow portion है, ये वाला part जो है, इसकी tilting slightly left side में कहलाती है, और left side में tilting होने के कारण left lung में एक notch बनती है, cardiac notch, ठीक है, तो इसको भरना है, तो mesodermal origin, endodermal गलत, मेजोडर्मल, एक्टोडर्मल गलत, मेजोडर्मल आ जाएगा, थोरेसिक आ जाएगा, टू लंग्स आ जाएगा, सही है यहाँ तक, राइट साइड में टिल्टिंग नहीं, लेफ्ट साइड में टिल्टिंग, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट 142, मैच करना है दो कॉलम को, स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट होता है भैया, एनसीईआरटी की ही लाइन है पूरी। प्रोसेस प्रोजेक्टेड फ्रॉम एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है उसमें हेयर सेल के ऊपर जो प्रोजेक्टिंग पार्ट पाए जाते हैं वो स्टीरियोसीलिया कहलाते हैं। थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन और रोज ऑफ हेयर सेल, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बताइए, वो वाला डायग्राम याद करो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर
ये एपरेटस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बता रखा है, यहाँ पर स्टीरियोसीलिया बता रखे हैं, ये स्टीरियोसीलिया हो गए ऊपर की ओर, और इन स्टीरियोसीलिया के ऊपर एक क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन, क्या कहलाती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, तो टेक्टोरियल आ जाएगी। सोलन बेसल पार्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, जो सेमी सर्कुलर कैनाल वापस आकर ओपन हो रही है जहाँ पर, ठीक है जी, वहाँ पर ये फूल जाती हैं, फूला भाग इसका एम्पुला कहलाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा एम्पुला बोले तो बी, और प्रोजेक्टिंग रिज ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल, ठीक है जी, सेक्यूल ये वाला पार्ट बनेगा, यूट्रिकल ये वाला पार्ट बनेगा, यहाँ पर प्रोजेक्टिंग रिज जो है वो प्रोजेक्टिंग रिज क्या कहलाती हैं, उनको कहा जाता है, एक मिनट, तो अपना क्या हो गया सी ई ए बी डी कौन सा है, मैकुला, तो सेक्यूल और यूट्रिकल का क्या कहलाता है, प्रोजेक्टिंग रिज मैकुला कहलाता है। अगर प्रोजेक्टिंग रिज एम्पुला का पूछ लेता तो क्रिस्टा एम्पुलेरिस है, लेकिन सेक्यूल और यूट्रिकल की प्रोजेक्टिंग रिज है उसको क्या कहते हैं, मैकुला कहते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर प्रोजेक्टिंग रिज की बात करता किसकी, प्रोजेक्टिंग रिज किसकी, प्रोजेक्टिंग रिज एम्पुला, तो ये क्या बन जाता, क्रिस्टा एम्पुलेरिस, क्रिस्टा एम्पुलेरिस, मैच कर लो, सी ई ए बी डी, सी ई ए बी डी कहाँ आ रहा है, देखो सी ई ए ये नहीं है, ये पहले ही गलत हो गया, ए बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ठीक है, 143 वही मैच करना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो जॉइंट की अगर बात करें तो एनसीईआरटी ने कहा है फाइब्रस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट कहलाता है। फाइब्रस जॉइंट जो स्कल की कवरिंग है उनमें पाया जाता है, ठीक है जी, और इसके अलावा कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो है वो जो वर्टिब्रा है उनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट में थोड़ा मूवमेंट होता है, साइनोवियल जॉइंट में मैक्सिमम मूवमेंट होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक तो ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी, एक फीमर नीचे वाली और एसिटाबुलम कैविटी, इनके बीच होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जॉइंट ऑफ फीमर और एसिटाबुलम, ये हो जाएगा, ठीक है जी। हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है, ये जो नी जॉइंट है ये वाला, इसमें क्या पाया जाता है, ये हिंज जॉइंट होता है, तो थर्ड हो जाएगा इसका। कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट ये कहलाता है। और पाइवट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, इसको एटलेंटो एक्जियल जॉइंट अपन ने कह दिया है, तो ये सेकंड हो जाएगा। तो 4312, 4312 ऑप्शन देखे, 4312 ऑप्शन नंबर 4, ओके। 144 रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके ये ग्राफ दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और उसमें साफ बताया इसको आइडेंटिफाई करना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखें 14th डे के ठीक पहले अमाउंट एक हार्मोन का बढ़ता है, एलएच सर्ज कहते हैं, इसका मतलब सी किसको बता रहा है, एलएच को बता रहा है भैया, ठीक है। ओवुलेशन होने के बाद 14 डे ओवुलेशन होने के बाद ज्यादा अमाउंट में कौन होता है, प्रोजेस्टेरोन, तो डी कौन हो गया, प्रोजेस्टेरोन। तो फिर ये दूसरा हार्मोन कौन सा है, ये दूसरा हार्मोन बी वाला कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है जी। तो अब आप इसको मैच कर लें, आप देखें सी एल एच कहाँ पे है, सी एल एच दो ऑप्शन में है, तो ये तो दोनों हट गए। इसके बाद डी प्रोजेस्टेरोन किस में है, यहाँ पर डी एस्ट्रोजन है, ये प्रोजेस्टेरोन है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हो गया, बी एस्ट्रोजन हो गया, और ए जो है वो FSH कहला जाता है। आंसर नंबर कौन सा चला जाएगा, आंसर नंबर 3, फिर से क्रॉस चेक कर लो, ए FSH है, बी एस्ट्रोजन है, सी जो है वो LH है, और डी ज़्यादा अमाउंट में पोस्ट ओवुलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, तो ये चला जाएगा, ठीक है। 145 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी को बोला है, ठीक है जी। तो इनकरेक्ट कौन सा है, इन एंटीबॉडी मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 4 पेप्टाइड चेन्स, ठीक है, इनकरेक्ट देखना है अपने को। तो 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 हैवी होती हैं, 2 लाइट होती हैं, सबको पता है। पैराटॉप एंटीबॉडी का एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है वो पैराटॉप कहलाती है, लेकिन एंटीजन की सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी से बंधने के लिए जो साइट होती है वो एपिटॉप कहलाता है, इसको याद रखना है, ठीक है जी। तो पैराटॉप को क्या बोला है अपने, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, साइट ये कहलाती है। आर फॉर्म्ड बाय कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट एंड हैवी चेन, ना ये जो वाई शेप की ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये 2 हैवी चेन होगी,
ये दो जो है वो लाइट चैन कहला जाती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये कनेक्टेड है, सबको पता है। यहाँ ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो है ये वेरिएबल कहलाता है, ठीक है जी। तो वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ऐसे ही नॉन वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन और ये नीचे वाला नॉन वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन बन जाता है। तो ये जो पैराटॉप बनेगा, एंटीजन बाइंडिंग जो साइट बनेगी एंटीबॉडी की, वो वेरिएबल नहीं, वो वेरिएबल कहलाती है। और ये क्या बोल रहा है, कॉन्स्टेंट बोल रहा है इसको, तो ये बात क्या होगी, गलत होगी, इनकरेक्ट ही देखना है, ऑप्शन नंबर टू इनकरेक्ट। एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड एज H2L2, क्योंकि चार पेप्टाइड हैं, दो हैवी हैं, दो लाइट हैं, ये बात सही है। दीज मे बी इन ब्लड, ब्लड में हो सकती है ये, ह्यूमरल इम्यूनिटी हो जाएगी, और ऑन सरफेस ऑफ द बी सेल, बी सेल की सरफेस पर भी हो सकती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो जाएगी, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट 146, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर ऑफ ड्रोसोफिला इज सुटेबल फॉर, सुटेबल बताना है जेनेटिकल स्टडी के लिए, क्यों सुटेबल है ड्रोसोफिला, देट कुड नॉट बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, ये बात गलत है, ठीक है जी। तो नोट नहीं आना चाहिए था, अगर नोट नहीं आता तो अपन इसको जेनेटिकल स्टडी में काम में ले लेते हैं, तो ये गलत हो गया। दे कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन 2 वीक में, 2 सप्ताह में ही पूरा हो जाता है, रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, इसलिए इसको जेनेटिकल मटेरियल के रूप में काम में लिया गया है। ओके, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस फ्यू नंबर ऑफ प्रोजेनी, एक ही मेटिंग जो है वो हंड्रेड्स ऑफ नंबर होना चाहिए, ये बात गलत होगी। दे हैव मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप, बहुत सारी हेरिडिटरी वेरिएशन होती हैं जिसको लो पावर माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ये बात भी सही है। मेल एंड फीमेल फ्लाई आर नॉट इजिली डिस्टिंग्विशेबल, ये बात गलत होगी, इजिली डिस्टिंग्विशेबल है, फीमेल फ्लाई बड़ी होती है, ओविपोजिटर पाया जाता है, ठीक है, तो ये बात गलत होगी। अब क्या कह रहा है अपने को, कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ये प्रूव करता है कि ये जेनेटिकल स्टडी के लिए ड्रोसोफिला सही है, तो बी और डी ऑप्शन ऐसे हैं, बी एंड डी ये ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है जी। आंसर नंबर 3, 147, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील 0.4 दे रखा है, क्यों कितना दे रखा है 0.4 दे रखा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप, रिसेसिव फिनोटाइप पूछ रहा है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर पूछ रहा है, याद रखना इस बात को। एलील फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो डोमिनेंट पी होता है, रिसेसिव क्यू होता है, बराबर 1, ये फॉर्मूला काम में लेना है। और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की अगर बात कर लें, या रिसेसिव फिनोटाइप या डोमिनेंट फिनोटाइप की बात कर लें, तो पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, ये फॉर्मूला अपने को काम में लेना है। तो सिंपल सी बात है, इसने क्यू दे रखा है और रिसेसिव फिनोटाइप पूछा है, क्यू स्क्वायर पूछा है, तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.4 का होल स्क्वायर हो जाता है, ये कितना आ जाता है, 0.16 हो जाता है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.4 × 0.4, पॉइंट हटाओ तो 4/10 × 4/10, ये 4 × 16, 16/100, और 16/100 कितना आता है, 0.16, आंसर ये चला जाएगा। अब आपसे यही पूछ लेता, ये क्यू दे रखा है और पूछ लेता डोमिनेंट फिनोटाइप बताओ, तो अपन फिर क्या करते हैं, क्यू दे रखा है तो P प्लस क्यू बराबर 1 होता है, तो P निकाल लो, P इज इक्वल टू 1 − 0.4, P कितना आ जाता है, 0.6। अब डोमिनेंट फिनोटाइप की अगर पूछ लेता तो अपने को P स्क्वायर बताना है, P स्क्वायर कितना हो जाता है, 0.36 हो जाता है, इसका स्क्वायर करना है अपने को। और हेटरोजाइगस पूछ लेता तो Q तो दे रखा है, P अपन ने निकाल लिया, 2PQ करना है, तो 2 × 0.4 × 0.6, बस ये इतनी सी कहानी है हार्डी-वेनबर्ग लॉ की। ओके, 148, मैच करना है। एपिथेलियल टिश्यू एकमात्र टिश्यू है जो तीनों ही जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट होता है, एक्टोमीजो एंडो से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेजोडर्म, ओरिजिनेटेड एनी जर्म लेयर, इसका मतलब ए का तो आना चाहिए थर्ड। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो है वो ओरिजिनेट होते हैं किस से, मेजोडर्म से, ठीक है जी, लेकिन उसमें एक्सेप्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए, ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम मेजोडर्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, और ओरिजिनेट फ्रॉम मेजोडर्म, इसका मतलब है विदाउट एनी एक्सेप्शन ये मस्कुलर टिश्यू के लिए तो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक्सेप्शन होता है कौन सा, सिलियरी बॉडी और आयरिस की मसल्स एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, याद रखना, सिलियरी बॉडी और आयरिस मसल, मसल ऑफ सिलियरी बॉडी एंड आयरिस एक्टोडर्मल होती है भैया, एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू के लिए ज्यादा सही आएगा 4। कनेक्टिव टिश्यू बिना किसी एक्सेप्शन के मेजोडर्मल होता है, फर्स्ट नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल ओरिजिन का कहलाता है, तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 केवल यही आ रहा है, 1, 2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 149,
स्टिमुलेशन ऑफ मदर निप्पल बाई नरिशिंग बेबी इनिशिएट सेंसरी इम्पल्स। जब कोई मदर अपने बेबी को फीड करवाती है और बेबी जो है वो निप्पल को जब सक करता है तो उस दौरान जो स्टिमुलेशन मिलेगा वो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, न्यूरल स्टिमुलेशन। हाइपोथैलेमस फिर मैसेज देगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन आकर ब्रेस्ट की मसल पे एक्ट करेगा और वहाँ कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर करवाएगा, ठीक है जी। तो स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम ऑक्सीटोसिन का होता है। यही बात कह रहा है कि दीज इम्पल्स रिजल्ट इन हाइपोथैलेमस से जो इम्पल्स आएगी वो क्या काम करेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या करवाएगी ऑक्सीटोसिन। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी का काम है। रिलीज ऑफ लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन प्रोलैक्टिन है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट नहीं करेगा, अपने को तो कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, मिल्क तो पहले ही बन चुका है। सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं एंटीरियर से होता है, आंसर थर्ड चला जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिवन बिलो इनकम्प्लीट टेबल आपको दे रखी है, हार्मोन को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट ऑप्शन को ब्लैंक स्पेस ए बी सी में भरना है। तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो है वो कौन करता है, प्लेसेंटा ओवरी, प्लेसेंटा ओवरी, ठीक है भैया। तो प्रेगनेंसी दौरान प्लेसेंटा भी कुछ अमाउंट में सिक्रीट करती है। अगली बात देखें यहाँ पर, अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज इंक्रीज ब्लड शुगर, अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकेगोन होना चाहिए, तो ग्लूकेगोन इसका मतलब इंसुलिन तो नहीं आएगा, इन दोनों में से आंसर जाएगा। अगली बात, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है सी, ओवर सिक्रीशन लीड टू गिगेंटिन, ये ग्रोथ हार्मोन होना चाहिए एंटीरियर पिट्यूटरी से, ग्रोथ हार्मोन ग्लूकेगोन ओवरी, तो आंसर दूसरा चला जाएगा, क्योंकि कैल्सिटोनिन तो कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीटेड कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये अपने डीसीएम की यहाँ बात कंप्लीट होती है। काफ़ी अच्छा पेपर रहा होगा, काफ़ी एंजॉय भी आपने किया होगा। तो आपको क्वेश्चन अप्रोच करते समय चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ऐसा क्यों दिया गया है, ठीक है भैया। तो इजाज़त लेना चाहेंगे, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। अभी मेजर खूब बचे हैं, इन मेजर को बहुत ही ईमानदारी से आपको देना है, पेपर कोई भी नहीं छोड़ना है। और 12 सितंबर तक, 10 सितंबर तक, 9 सितंबर तक एग्जाम अपन करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और ये जो टाइम बचा है ना 35-40 डेज का, मैक्सिमम टाइम में आप कूल रहो, ठंडे होकर पढ़ो, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ो, ठीक है जी। ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है भैया, पढ़ तो सब कुछ रखा है, एक कॉन्फिडेंस आपको जो है सिलेक्शन करवा जाएगा, सब कुछ पढ़ रखा है आपने, बस उसको कूल होकर रिवाइज करते रहो। डेली पेपर में जो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को अच्छे से देख लो, अच्छे से छान लो, और एक कसम खा लो कि अगली बार ये टॉपिक जब आएगा उससे मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय सी एल सी।